गोपिकानंदना गोपाला कृष्णा। हाथ पड़ा के चीज उठा लो, जेब में डालो जो भी चाहो, right now. Tell me what's your problem. रात को जो भी सपने देखे, सबको हकीकत बनाओ, right now. Tell me what's your problem. Oh, la la la. से पैसा देगा तो कौन येड़ा ना बोले, इन चारों ने भी यही किया ना। ये लीजिए आपके 9,800 रुपए और 700 रुपए बैंक के चार्जेस और आपका पता है। ये भी पता है कि इसमें आपका लॉस है और आपका फायदा अंकल। पहले लोग गहने गिरवी रखकर पैसे लेते थे, ये कमबख्त तो सिर्फ प्लास्टिक है, राइट? तो बैंक को तो चुकाना पड़ेगा ना। अपना तो सिंपल उसूल है अंकल, मरना है तो कर्ज लेकर। तुम्हारे इस कार्ड में काफी दम है, और कितना माल बाकी है? इसका तो सारा जूस निकल गया अंकल, सिर्फ छिलका बाकी है। आप और निकाल सकते हो तो निकाल लो, बट वेट टू डू बिजनेस विद योरसेल्फ। हैव अ ग्रेट इवनिंग। कमाल का बंदा है। वाओ मैन, व्हाट्स दैट? Vincent, where are you? I'm here, baby. Long time no see. I've been waiting you for been? You. I'm good. Come, enjoy yourself. I'll see you there in 2 minutes, okay, baby. Okay, bye. Hi, Ryan. Hey, Ryan. Hey, Jumbo. What's up, bro? Fine, man. Ek to kabhi kabhi aata hai upar se late. Give me a mustache, buddy. Come on, everybody. Let's enjoy yourself. Come on. What's up, man? What's up?
मॉडल राइट कौन सी ऐप थी मैंने आपको पहले कहीं देखा ये लाइन तो मैंने पहले कई बार सुनी है वेल देन कैन आई बाय यू व्हाट अ ड्रिंक कैन आई बाय यू अ ड्रिंक इट्स अ न्यू वन द मार्टिनीज आर फैंटास्टिक mm-hmm. yeah? hey bro a martini for the lady please thank you I'm Ryan the resident DJ of this club and cheers it's Nancy ah Nancy Catholic girl bless you Nancy पहुंच रहा हूं दो मिनट बोला ना दो मिनट स्मार्टी क्या यार रायन ये ठीक नहीं हो रहा यार क्रेडिट कार्ड तेरे लिए बन रहा है यूज तू करेगा और तेरे लिए घंटे से वेट मैं कर रहा हूँ दिस इज नॉट फेयर बहुत स्मार्ट लग रहा तू नाइस टाई वेट यार या ये वीवियो की तरह क्यों भड़कता है तू हाँ काफी थैंक्स वैसे भी तेरे इन पैसों के चक्कर में ही लेट हो गया था क्या बात है आज किसे लेटा के आ रहा है कमी नहीं है यार एक ढूंढ हजार मिलते कॉल यस रख अभी एक ये क्या है हाँ तीन मांगे थे बाकी तो रायन समझा कर यार अब पहले जैसी बात नहीं रही बैंक वाले काफी स्ट्रिक्ट हो गए तेरा एड्रेस प्रूफ सैलरी स्लिप कुछ तो दे मुझे ताकि मैं कुछ इंतजाम कर सकूं देखिए द साइन इट हियर देख नाउ यू आर पुलिंग मी कहां साइन करना एड्रेस प्रूफ इनकम टैक्स पेपर्स दैट्स इट इसमें बड़ी बात क्या है दो मिनट में हां विंसेंट हां Ryan, Ryan गुलाब जामुन यो ब्रो मेरे लिए काम करना होगा एक तो अपने एड्रेस पे मेरा एक क्रेडिट कार्ड बनवा दे क्योंकि मैं तो पीजी मेरे तो ये लोग देते नहीं और दूसरी वो कल रात वाली आइटम है ना Nancy उसका नंबर देना है My brother from another mother ये सब चक्कर में फंसना मत बहुत एक्सपेंसिव आइटम है वो तू तो एक क्रेडिट कार्ड बनाने जा रहा है ना साला चार पांच छापना पड़ेगा उसके लिए फर्स्टली आई एम नॉट योर ब्रदर सो डोंट गो ऑन माय मदर एंड गिव मी द नंबर ऑफ योर सिस्टर Nancy कम ऑन यार चल ठीक है आई गिव यू द नंबर लेकिन मेरा एक काम करना पड़ेगा वो रात को जिसके साथ गए थे ना उसके घर पे उसका नंबर मेरे को दे छी यार कैसा है तू मार डालेगा उसे गिव एंड टेक मैन प्लीज बॉडी ओपन कर दे टेलीफोन प्लीज पिक अप हेलो गुड मॉर्निंग सर मैं ऑल इंडिया बैंक से बोल रही हूँ रिगार्डिंग पर्सनल या बेबी वन सेक तेरी कर रात वाली आइटम कौन है उसी का फोन है क्या बात तेरी किस्मत अच्छी है मोटे हाय 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 बेबी दिस इज विंसेंट हियर रात को आ रहा है क्या क्लब व्हाट नॉनसेंस ये क्या बदतमीजी है आई विल कंप्लेन टू द पुलिस अबे यार तू मरवाएगा मेरे किसी दिन ओहो विंसेंट अब तेरी जरूरत नहीं क्यों ये देख हाय नैंसी हाय विंसेंट हाउ आर यू डूइंग आई एम गुड यहाँ क्या कर रहा है कम टू मीट दिस बर्गर मैन यू नो रायन हाँ कल रात मिले थे मिले थे याद नहीं आई मीन मार्टिनीज बार मुझे याद नहीं है और वैसे भी कल रात मैं तीन चार पार्टीज में गई थी आई डोंट रिमेम्बर स्पॉटिंग यू व्हाट नैंसी हाउ कैन यू नॉट स्पॉट रायन ये तो हमेशा स्पॉटलाइट में रहता है ये हमारा स्टार डीजे है यार लेट मी टेल यू समथिंग नैंसी आज रात को रायन स्पेशल है और ये ऐसा म्यूजिक बजाएगा ना कि तुमने कभी सुना ही नहीं होगा क्यों रायन बजाएगा ना इज शी कमिंग प्लीज नैंसी कमिंग ओके
फिर तो पूरी रात बजाऊंगा। See you then. Bye. Bye. अपने साथ ऐसी बात है होगी हाँ होगी तुझसे आज मुलाकात है। ले आई रात अपने साथ ऐसी बात है होगी हाँ होगी तुझसे आज मुलाकात है। लहरा के आंचल अपना आएगी तू दूर से होगा वो चाला तेरे चेहरे के ही नूर से। आजा मेरी जाने जा दीवाना तेरा है यहाँ। कोशिश ये बार बार है बंदा तो करता है हुजूर से ही प्यार है। घर जो खता हो जाए मेरा क्या कसूर है दिल कश अताए तेरी करती मजबूर है। आजा मेरी जाने जा दीवाना तेरा है यहाँ। मैंने बात ये तुझसा हसीना कोई सारी कायनात में हम भी किसी से कम नहीं हाँ तू ये जान ले। तो आजा जाने जाना मैं हूँ तेरे सामने। आजा मेरी जाने जा दीवाना हमेशा की तरह आज फिर लेट। पता नहीं क्या कर रहा होगा। तुम लोगों के लिए सब सेम टू सेम है साले। हाँ ये फिल्म देख दो लवरों के बारे में मैंने भी देखी क्या स्टोरी है। स्टोरी किसको चाहिए यार स्टोरी वाला नहीं चाहिए अपने को एक्शन चाहिए। और जल्दी करो सेक्शन बहुत गर्म है रेड पड़ सकती कभी भी। अच्छा ले चल ये चार दे दे। कितना? एक दो तीन चार ये चार का 400 रुपए। 400 रुपए? तू क्या इधर ओरिजिनल भेज रहा है क्या? ये ले 300 अगर प्रिंट खराब हुई तो पैसे वापस लूंगा। हाँ पक्का। अच्छा मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। You will never change. Come on यार baby, तुम कुछ भी बातें करती हो, कुछ भी important बातें करती है। शादी वादी करनी है कि नहीं? हाँ? अच्छा देखो, home loan लेना है। That's the most important thing. At least 10 lakh. हाँ। और फिर car loan लेना है। तुम्हारे लिए, क्योंकि I don't want कि तुम ये सब buses buses में travel करो। और laptop लेना है ताकि तुम office का काम घर पर ला सको। और that's it. कुल मिलाकर I think 20,000 की installment तो बनती है। हमारा honeymoon trip, उसका क्या? हनीमून? अब ये हनीमून की क्या जरूरत? देखो अब ये जबरदस्ती का लोन लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे रूम में ही रहना है पूरा दिन। अभी यहाँ के रूम में रह या सिंगापुर के थाईलैंड के लंदन के डजंट मैटर। रोमांस नाम की चीज तो है ही नहीं तुम्हें।
अगर रोमांस नहीं होता तो जो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ उसका क्या? Everything for you is just about sex. Public place में क्या कर रहे हो? इसलिए गाड़ी लेनी है और हनीमून के लिए भी चलेंगे. Thank you. लोन लेकर. ठीक है. और बेबी कल सुबह बैंक जाना है 10 बजे. Please remind me. I'll be there. I'll remind you. We'll go together. Congratulations, Mr. Sharma. It's a pleasure to be of service to you. I hope that your new house brings you a lot of joy and happiness. I'm your personal banker, Miss Sharon Lele. I'm here to take care of all your problems. Ye aapka check. Thank you. You ask, we deliver. Baby, hamara loan pass ho gaya. You must be happy with our prompt service. No, I'm not. आपका आदमी पेपर लेके जाता है, फिर फोन करके बोलता है कि दिस पेपर इज मिसिंग एंड दैट पेपर इज मिसिंग. कभी पैन कार्ड का जेरॉक्स चाहिए और कभी कुछ और. ऐसा 1 बार नहीं 10 बार हुआ है. क्या कहा था अभी आपने? यू आस्क कैन वी डिलीवर. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस मैम. ये लीजिए मेरा कार्ड. प्लीज कॉल मी व्हेनेवर यू नीड मी. अरे ले दीजिए, बस एक ही काफी है. जंगलों में आग लगी जा रही है, हजारों पेड़ इलीगली काटे जा रहे हैं और आप यहाँ ये कागज की कार्ड प्रसाद की तरह बांट रहे हैं. कुछ ग्लोबल वार्मिंग का आइडिया है आपको? Sorry, Mrs. Sharma. I'm not Mrs. Sharma yet. आप ही के लोन का इंतजार कर रहे थे. अगले हफ्ते हमारी शादी है. लोन मिलेगा तो शादी होगी ना. चले चलो चलो. ओके चलो. See you soon. अरे फाड़ दिया. अंदर तो ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, यहाँ खुद पेपर फाड़ के कचरा कर रही है. किसी के काम आ जाता. किसके? हो सकता है किसी के भी काम आ जाए. हो सकता है मेरा कोई दोस्त लोन ले ले, हो सकता है तुम्हारी कोई फ्रेंड लोन ले ले, हो सकता है पंकज ले ले, नेहा ले ले, कोई और ले, शहरन ले ले. मैंने पूछा किसका? नाम तो बहुत अच्छी तरह से याद है तुम्हें. देखते ही मुंह खुल गया था तुम्हारा. देखा था मैंने, लगता था कि खा जाओगे उससे. बेबी बेबी, मेरा मुंह तो हमेशा खुला रहता है. मुंह बंद करो. व्हाट यू आर डूइंग? यू नो यू आर सच अ लेच. मैं तुम जैसे आदमी के साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकती. आई एम जस्ट फेड अप. व्हाट? बेबी इतनी सी बात के लिए तुम ना. बेबी लिसन टू मी. ओके आई एम सॉरी. एहसान कर रही हो मुझ पे सॉरी कह के? ठीक है तुम एहसान कर रही हो, मैं सिर्फ सॉरी बोल रहा हूँ. यू नो व्हाट, डोंट से इट इफ यू डोंट मीन इट. ऑफ कोर्स आई मीन इट. ऐसे नहीं तो कैसे मीन करूं, हाथ जोड़ के सॉरी बोलूं? नो नो हाथ जोड़. गो ऑन योर नीज एंड से सॉरी टू मी 5 times. व्हाट? गो ऑन योर नीज एंड से सॉरी टू मी 5 times. हियर 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 हियर. Okay. I'm sorry. 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 Sorry, yaar. Ab chale. Please. Par uncle, kya ye hamare budget mein baithega? बिठाएंगे. हम बिठाएंगे ना शिल्पा बेटी. कितना लगता है? 6,000 ना, 3,000 कैश, 3,000 चेक में और बाकी आसान किस्तों में. इधर साइन करो. यू मीन EMI? हाँ, प्यार भी तो किस्तों में किया होगा ना तुमने. थोड़ा भी थोड़ा बाद में और कुछ बचा तो शादी के बाद में. कब कर रहे हो शादी? बस 7 दिनों में शादी है और उसके बाद हनीमून पे भी जाना है. कैसे होगा? इधर साइन करो, शादी करो, हनीमून पे जाओ. ऐसे होगा? अंकल ये इंस्टॉलमेंट कितना होगा? कितना होगा? 2,985 ओनली, 18 महीनों में. 3,000 महीने का? 2,985 ओनली. 2,985 और 3,000 में क्या फर्क हुआ? उतना ही फर्क है जितना तुम्हारी हाँ और ना में फर्क है. मतलब मेरे हाँ और मेरे ना में सिर्फ 15 रुपए का फर्क? तुम ही सोचो, 15 रुपए में कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ? नहीं. तो साइन करो. पेन. इज इट ओके? ओके. Bye baby, take care. पापा उठिए ना. पापा
उठाया उसे जाता है जो सो रहा हो। I'm sorry पापा, आज मेरा बर्थडे है पापा और आप भी। आज नहीं, कल था। तीन बज चुके हैं, 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। पापा आप भी ना। पापा I said I'm sorry पापा, प्लीज पापा I'm sorry, I'm sorry। सॉरी ना हो गया कि पता नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। हैप्पी बर्थडे आपका और ये मामा का। नशे में भी संस्कार भूला नहीं तू। हाँ पापा। Cheers. कॉफी पिएगा अभी? अरे मैं बनाऊंगा, घड़ी क्या देखता है। अखबार में पढ़ा कि कल 130 लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, इसलिए रात के 3:30 बजे आपके साथ कॉफी पी रहा हूँ। हर बात का जवाब है तेरे पास। नहीं पापा, I know what I have to do in life. अच्छा क्या करना चाहते हो, व्हाट्स योर प्लान? प्लान कुछ खास नहीं पापा, कुछ दोस्तों के साथ लंच पे जाना है और उसके बाद शायद पिक्चर देखने भी चला जाऊं। मैं कल के प्लान की नहीं पूछ रहा हूं, मैं करियर प्लान की बात कर रहा हूं। 21 साल का हो गया तू। डोंट वरी पापा, आई हैव गॉट इट ऑल सॉर्टेड आउट। मैं MBA करना चाहता हूं। वेरी गुड, कहां से? लंदन से। लंदन से? लंदन के लिए पैसे कहां से आएंगे? डोंट वरी पापा, मैंने सब वर्कआउट कर लिया है। मम्मी के बॉन्ड्स लिक्विडेट करके 7-8 लाख रुपए तो आ ही जाएंगे और बाकी देख लेंगे। अरे तेरी माँ ने वो बॉन्ड्स तेरी शादी के लिए रखे थे यार। बिना नौकरी के शादी कौन करेगा? टुडे एवरी गर्ल इज बिहाइंड मनी पापा। लेट मी बी वेरी स्ट्रेट विद यू, पहले बिजनेस मैनेजमेंट और उसके बाद होम मैनेजमेंट। आर यू श्योर? नो आई एम अर्जुन। ऑफ कोर्स पापा, ये आजकल का ट्रेंड है। मेरे सारे दोस्त अब्रॉड जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ। आई हैव मेड अप माय माइंड पापा। ओके मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम वेरी स्लीपी। ठीक है, स्लीप वेल, गुड नाइट। स्लीप वेल। क्या करूं इस लड़के का, कुछ समझ में ही नहीं आता यार। बोल के भी कोई फायदा नहीं, करना तो इनको वही है जो इनके मन में है। अरे चंदू चल बैठते हैं। चलो चलो चलो। ओ यार साडा मुंडा भी ना ऐदा ही बोलता सी, एक बार भेजा तो ऐसे गया के वापस ही नहीं आया। ओ तो उत्थे सेट हो गया, असी इत्थे अपसेट हो गए। सबरवाल मजाक छोड़ यार। यार ये सब दोस्तों की वजह से और कुछ नहीं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो उसे अच्छी सलाह दे सके। लेकिन वो पैसे को आप तो नहीं लगा रहे, जरा सोचो ना। सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व होती तो सोचता भी। उसे तो ये भी नहीं पता कि डिग्री लेकर करेगा क्या। उसका तो एक ही सपना है कि एक बड़ी सी कार आकर उसके दरवाजे के सामने खड़ी हो जाए बस। हमारे बच्चे हमारी तरह नहीं सोचते चंदू। ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, कर्ज लेकर भी घी पी लेना चाहिए। कर्ज लेकर घी पी तो लेंगे पर हजम होगा या नहीं ये नहीं पता। ये तो अर्जुन को सोचना बनता है चंदू भाई, पर ठीक है अर्जुन ने क्या भी रॉन्ग नहीं है। उसके भी मन में होगा कि एक दिन वो बड़ा आदमी बने। शायद यही जज्बा उनको आगे ले जाए। चंदू तुम अगर आज अर्जुन को मौका नहीं दोगे तो कल वो अपनी नाकामियों में तुम्हें दोषी ठहराएगा। लेकिन इतने सारे पैसे लाऊंगा कहां से? सर देखिए आपको चाहिए करीबन 10 लाख और बॉन्ड से आपको 5 या मैक्सिमम 6 लाख मिलेंगे। बाकी जो अमाउंट है उसके अगेंस्ट मैं पर्सनल लोन कर देता हूँ आपके लिए। मगर इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा होगा। सर आप समझ नहीं रहे,
अच्छा देखिए, ये रहे आपके बॉन्ड्स, ये रहा आपका पर्सनल लोन, ये रहे आप और ये रहा बैंक। मैं समझाता हूँ सर आपको, मैं समझाता हूँ। इधर समझ गए सर, सो सिंपल। इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरा ही पैसा मुझे उधार देंगे, वो भी इंटरेस्ट पर। वेरी इंटरेस्टिंग। सर देखिए, मैं आपको गलत सलाह कभी नहीं दूंगा, आफ्टर ऑल यू आर अ वेरी ओल्ड कस्टमर सर। ठीक है, मैं कल तक सोच कर आपको बताता हूँ। सर सर, आप कहाँ जा रहे हैं सर, बैठिए। वेयर आर यू गोइंग सर? देखिए, अगर आपको चेक अगले हफ्ते तक चाहिए तो विदाउट डिले वील हैव टू साइन द एग्रीमेंट सर। सर देखिए, कल सैटरडे है, फिर संडे, ट्यूसडे को बैंक हॉलीडे है, तो मैक्सिमम थर्सडे तक मैं चेक आपके हाथ में दे दूंगा सर। हियर इज अ फॉर्म, इट्स सो इजी, बाकी के पर्सनल डिटेल्स मैं फिल कर दूंगा सर। आई विल टेक दैट फॉर्म, आप बस यहाँ पर साइन कर दीजिए, ये दो जगह पर, एंड लीव एवरीथिंग टू अस सर, वी विल लुक आफ्टर योर इंटरेस्ट, आप चिंता मत कीजिए। हियर हियर, जस्ट हियर सर। Can I? Thank you. Excuse me, sir. Yes? Sir, ये फाइल मंडे तक प्रोसेस हो जाएगी? I have told you this before. यहाँ से कोई भी फाइल निकलने में at least we will take 5 working days. Sir, but I have already committed to the client. मैंने क्लाइंट को कमिटमेंट दे दिया। वो आपकी प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट माय कंसर्न। आई फॉलो द बैंक रूल्स स्ट्रिक्टली, अंडरस्टूड? ये लीजिए, आपके दो फाइल्स रेडी हैं। थैंक यू सर। ठीक है, सॉरी मैडम। देखिए मैडम, आप जो कुछ भी कह रही हैं बिल्कुल सही है, हम आपकी परेशानियां समझ सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के भी तो कुछ रूल्स है ना, क्या करें? आई नो सर, रूल्स तो है, लेकिन सब कुछ तो आप ही के हाथों में है ना सर। आई मीन, इस क्लेम को पाने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। अब आउट ऑफ द वे जाके हम आपकी मदद तो नहीं कर सकते ना? नहीं, हमें पुलिस रिपोर्ट को ही फॉलो करना पड़ता है। जी जी सर। और पुलिस की रिपोर्ट ये कहती है कि आपके पति ने आत्महत्या की है, और आत्महत्या की सूरत में न तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकती हैं, और न कोई इंश्योरेंस कंपनी आपकी कुछ मदद कर सकती है। मैं वही कह रही हूँ, मेरे पति ने आत्महत्या नहीं की थी, उनका मर्डर हुआ था। ये आप कह रही हैं? देखिए, अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट से ये रिपोर्ट लाके दे दें कि आपके पति का मर्डर हुआ है, तो आपका जो भी क्लेम है वो मैं जल्द से जल्द दिलवा दूंगा आपको। ठीक है, I will try my best. Okay? Thank you. चलिए देखते हैं किस मैं तुम लोगों से कितनी बार कह चुका हूं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं खुद लाकर तुम लोगों को दे दूंगा। अब मतलब ठीक है, तुम्हारे जो जी में आए तुम लोग करो, जो जी में आए तुम लोग करो। क्या करोगे तुम लोग? मुझे जान से मारोगे? मुझे जान से मारोगे? मार दो मुझे जान से, और फिर मेरी लाश से पैसे वसूल करना। लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, सुना तुमने? It's okay, baby. What's wrong with you? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? What's wrong? सब कुछ ठीक तो? प्रेरणा, तुम ऐसा करोगे, तुम कल सुबह तिया को लेकर मामा के यहाँ पुणे चले जाओ। दो तीन दिनों में सब ठीक हो जाएगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। Please listen to me, please. Okay. मैंने कहा ना, मैं पहुँच जाऊँगा। Okay. चलो बेटा, तुम जाकर सो जाओ। Yeah.
हेलो। ओफो प्रेरणा, कब से फोन कर रही हूँ, उठाती क्यों नहीं? जल्दी आ नीचे, पुलिस स्टेशन जाना है। ओके ओके बाय, या मैं 10 मिनट में मिलती हूँ, बाय। ओके। देखिए, यहाँ पुलिस स्टेशन में आने से कुछ होने वाला है नहीं मैडम। लेकिन सर, इनके हस्बैंड की डेथ बहुत ही सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हुई थी। सर, मेरे हस्बैंड ऐसे थे ही नहीं जो इतनी सी बात पर आत्महत्या कर लें। बात कितनी सी थी वो अपनी जगह पे है मैडम। तावड़े ने जो रिपोर्ट बनाई है वो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट और बाकी एविडेंस के आधार पर ही बनाई है। वैसे मैटर अभी कोर्ट में है तो ठीक है, तो फिर हम कोर्ट जाकर इस रिपोर्ट के अगेंस्ट ले लेते हैं और इस केस को रीओपन करवाएंगे। ठीक है, फिर अगर ये केस मेरे पास आता है तो मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा मैडम। अभी तो आप राइटर के पास जाइए और अपनी रिपोर्ट लेके उसे कोर्ट में सबमिट कीजिए, फिर देखते। थैंक्स। यू आर वेलकम। थैंक यू। क्या साहब, 20 मिनट से बिठा के रखा साहब? मैं बोला ना भाई से बात करके बात खत्म करो साहब। बहुत गर्मी आ गई क्या रे तुम लोगों को? थोड़ा सा ढिलकिया दिया तो सर पे चढ़ के नाचने लगे तुम लोग। चल बैठ। अरे क्या साहब, आप भी धंधे की बात समझते नहीं हो। दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग यार। जस्ट रिलैक्स। ओके, तुम बैठो यहाँ पे, मैं रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ। एंड जस्ट चिल, इट्स लाइक दिस। यस आई नो, आई एम वेटिंग। क्या हम पुलिस रिपोर्ट के अगेंस्ट स्टे नहीं ले सकते? पुलिस रिपोर्ट के अगेंस्ट स्टे ले लेंगे, 8-10 महीने तक केस लड़ते भी रहेंगे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, वी कैन नॉट हाइड द ट्रूथ। ओके, सच सच क्या है किसे पता है श्रुति? मेरे साथ जो हुआ क्या वो सच है? कम ऑन यार, इतना स्ट्रेस मत लो। यू आर एन एम्बिशियस गर्ल, आई नो यू। बस हमेशा एक ही बात का डर मुझे लगा रहता है कि कहीं तुम कुछ कर ना डालो। सीरियसली, पर ये इंश्योरेंस के पैसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी ना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैडम, आपके हस्बैंड के सुसाइड को मर्डर बनाना ना, एक ही आदमी जो ये काम करा सकता है आपका। सामने देखो, इधर मत देखो मैडम, इशारे समझो। रफीक भाई से मिल लो, काम हो जाएगा। गाला नंबर 17, सुलेमान मार्केट, भिंडी बाजार। बोलना तस्कर ने भेजा है। वो मुझे रफीक भाई से मिलना है। रफीक भाई से? किसने भेजा है आपको? वो तस्कर ने। गाला नंबर 17 बोल। आओ मेरे साथ, आओ। शाम को बारिश के लिए आ जाना, तस्कर ने भेजा है। आइए। ठीक है, बैठो। अब्दुल बेटा, चाय पिला। कहिए। जी, एक्चुअली मेरे पति ने आत्महत्या की थी। तो उसे मर्डर या एक्सीडेंट बनाना है। इंश्योरेंस कितने का है? जी, 2 करोड़ का। 20 पेटी लगेगा, हो जाएगा। 20 पेटी? 20 लाख रुपए? 2 करोड़ में अपना मुंह नहीं खुला, आप सिर्फ 20 लाख मिल गए मैडम। जी, थोड़ा ज्यादा नहीं है? मरे हुए को मारना है, बराबर है, पैसा भी देना पड़ेगा। पर क्या गारंटी है कि काम हो जाएगा? इधर गारंटी वारंटी कुछ नहीं, रफीक भाई का जबान चलता है। मेरा मतलब ये नहीं कि मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं, लेकिन ये तो बताइए कि काम कैसे होगा। ये बताओ कि वो इस दुनिया से गया कब? जी, 15 सितंबर। ए मोहम्मद, देख तो 15 सितंबर के बाद अपना कौन कौन सा छोकरा अंदर गया है, देख के बता मेरे को। हाँ, चल जा।
अरे 4 साल के बजाय 6 साल की काट लेगा। किसी को भी कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, वो बयान दे देगा मेरी दुश्मनी थी, मैंने इसको मार दिया बस। लेकिन मैं पूरे पैसे नहीं दे सकती। एक काम करो, 10 पेटी अभी दे दो, 10 पेटी बाद में। अब तो ठीक है। लेकिन रफीक भाई, 10 लाख भी बहुत ज्यादा है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। इसी क्लास के लोगों को ही लोन देने के लिए बैंक बना है मैडम। ए अब्दुल। जी भाई। ए मैडम को छोटू के पास लेके जा। जी भाई। क्या है कि छोटू आपका बैंक का सब काम करा देगा, बस आप खाली साइन कर देना। चल लेके जा रहे। जी जी, थैंक यू। आपको 3 बार फोन कर चुके हैं सर हम, आप ना तो पेमेंट कर रहे हैं और ना ही फोन रिसीव कर रहे हैं। देखिए मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, आप बाद में फोन कीजिए ना। देखिए I've already told you, I'll ask him to call you। ओ अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके वो लोन मेरे हस्बैंड ने लिया था, प्लीज उन्हें फोन कीजिए। देखिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप मेरी प्रॉब्लम भी समझिए। एक्चुअली मैं अभी आउट ऑफ बॉम्बे हूँ, मैं वहाँ से आने के बाद आपको इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करूंगी। ओके व्हाट डू यू मीन डोंट लाई, आई एम नॉट लाइंग टू यू, एंड हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट। मुझे एक जगह से पेमेंट आनी है, वो जैसे ही आएगी मैं आपका क्लियर कर दूंगा। रायन तुम्हारा फोन, ये तुम्हारे बैंक वाले, इन्हें बात करने की तमीज ही नहीं है। हेलो जी, मैंने आपको बताया ना कि उन्हें फोन कीजिए, अगर वो लोन नहीं भरते तो मुझे फोन कीजिए। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आप इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही है, और आपने मेरे होने वाली बीवी को इतना नाराज कर दिया। मैंने आपसे कहा ना, मैं जैसे ही वापस आऊंगी आई विल गेट इन टच विद यू, व्हाट इज द प्रॉब्लम। आप टी ब्रेक लेके फोन कीजिए ना प्लीज। हां थैंक यू। देखिए मेरा दूध जल रहा है, प्लीज मुझे बाद में। अब एक काम कीजिए, आपके मैनेजर से कहिए कि वो मुझसे बात करे। ठीक है, बाय 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 बाय। सर ये देखिए, ये नई डिफॉल्टर लिस्ट है, ये वो लोग हैं जिनकी पेमेंट 6 महीने या उससे ज्यादा दिन से नहीं आई है। व्हाट डू यू से? I think we should send them legal notices. ठीक है मिस्टर मंदाले, आप लीगल नोटिस भेजते रहिए और मैं इस फाइल को गुड लक रिकवरी एजेंसी को भेज रहा हूँ, सब सही हो जाएगा। आप सिर्फ सेल्स टारगेट पे ध्यान दीजिए, हम बैंक हैं, हमारा काम है लोन देना। And don't you worry about the rest. 6 महीने से अटका हुआ पैसा 6 दिन में आ जाएगा। मेरा पैसा 2 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, समझा क्या? ए पेपर किसको दिखा रहा, हफ्ते भर के अंदर पैसा मिल जाना चाहिए, समझे क्या? गुड लक रिकवरी एजेंसी, डिसेंट हियर। ए कान से सुनता है ना तू? डिसेंट्री किसको बोलता है साला, तेरे बाप को हुआ होगा डिसेंट्री, चला पहुंचा इसकी जात का। डिसेंट भाई, तेरा क्या हुआ? हाँ फाइल है। काहे के फाइल? भाई डिफॉल्टर लिस्ट की फाइल है, ऑल इंडिया बैंक से आई हुई है। तो तू काय कुछ झकमारी कर रहे है? ये काम तो गफूर का और वो मुंबई सेंट्रल का है ना है? भाई दोनों के पास टाइम का है, मीटिंग में बिजी है। साला इन लोगों का कुछ सेटिंग करना पड़ेगा मेरे को, ये इंडिया में जितने फालतू और चिरकुट लोग होते हैं ना, हाँ? हमेशा मीटिंग में बिजी रहते हैं साले। जी एक काम कर। जी ये रहा किधर, और दूसरे ब्रांचेस का सब रिपोर्ट लेके आ जल्दी, भाई को शाम तक हिसाब देना है, समझा ना? जी भाई। ये कपूर भी ना मरवाएगा मेरे को एक दिन साहब। तू गांव में ही सेटल हो जा, गांव में तेरी इतनी इज्जत है, तो इज्जत लुटवाने भाई से तू यहाँ क्यों आ जाता है? ये चांद पे कोई भी जाए, लेकिन जलती तो रॉकेट की है ना। सब जलते हैं मेरे से, सत्तार भाई भी जलता है, लेकिन इसको मालूम है कि गुड लक रिकवरी एजेंसी अपने दम पर खड़ी है, कपूर भाई के दम पे खड़ी है। जिस दिन छोड़ के जाऊंगा ना, ये गुड लक बैड लक बन जाएगा। तो जा ना, खुद की रिकवरी एजेंसी खोल, यहाँ क्यों नौकरी कर रहा है? भाई के मुंह से रोज इतनी गालियां सुनता है, शर्म नहीं आती क्या तेरे को? चल जा। ए, हंसता क्या रे? क्या हुआ भाई? चल चाले क्या, जा। हाँ ला रहा हूँ ना। ला रहा हूँ। कितनी बार इधर से जाने का कोशिश किया, लेकिन भाई ने रोक लिया। भाई को मालूम है ना कि गफूर भाई क्या चीज है। ए, फेकू चैन गफूर, ये फेंकना फेंकना बंद कर, ये ऑल इंडिया बैंक की डिफॉल्टर लिस्ट है। भाई का फोन आया था, शाम तक हिसाब चाहिए उनको, समझा ना? क्या? अरे मुंबई सेंटर, वो जयकर के यहाँ कौन गया था चेक लाने? अरे डिसन भाई यही गया था। हाँ। लेकिन जयकर ने कोई चेक वेक नहीं दिया, स्टैम्प मार के भेज दिया। किधर स्टैम्प मारे?
अरे वो थोपड़ा देखो, तेरे को मारा जयकर ने? मैं क्या पूछ रहा हूँ, तेरे को मारा क्या जयकर ने? साला गुड लक रिकवरी एजेंसी के आदमी को मारा, ये भाई को पता चला ना तो क्या होगा पता? क्या होगा? कौन है उधर, जाकर देखो। ए चक दे, रख दे, मैं क्या मैच खेलने आया हूं? कौन है तू? कार्ड। हाँ भाई। अरे कार्ड दे। तेरे सब फालतू सवालों का जवाब है इसमें। कौन हूं, कहां हूं, क्यों आया हूं, सब इसमें है। पढ़ ले, नहीं तो पढ़वा ले, मेरे पैसे दे बस। तू जानता नहीं मैं कौन है बोल के? देखा भी बताता हूं मैं तेरे को, मैं कौन हूं। कादर भाई को फोन लगाता हूं। हेलो। हाँ कादर। अरे सत्तार भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूं, तेरे आदमी को धो रहा हूं। अरे कोई भी ऐरा गहरा मुझसे एक बार मिलता है और अपने आप को मेरा आदमी बोलने लगता है। आप जैसा चाहे वैसा करें। सुन लिया? सुन लिया भाई, देता हूं ना, देता हूं ना भाई। ईएमआई लिया है ना तो चुकाना पड़ेगा ना यार। एकदम करेक्ट है भाई। ये देखिए मिस्टर जोसेफ, सी ये देखिए, इन एवरी न्यूज़पेपर देखिए। हाँ, व्हाट इज दिस सर? वो क्या है कि मैंने पता करवा लिया सर, ये सब उसने अपनी पब्लिसिटी के लिए किया है सर, और हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि हम उसे नौकरी से निकाल रहे हैं सर। मिस्टर जोसेफ, कभी आप उन्हें रिकमेंड करते हैं, कभी आप उन्हें निकालने की बात करते हैं, मेरी हाँ में हाँ मत मिलाइए। कॉल फॉर अ मीटिंग, आई वांट टू मीट हिम। हाँ जी सर। भाई ब्रेकिंग न्यूज, वो खतरी था ना खतरी, उसकी छतरी मैंने फाड़ डाली। बहुत चैनिंग मार रहा था मर्सिडीज में बैठकर, उतारा साले को, बजाए दो कान के नीचे, बोला घर के पेपर रख के पैसे देता हूँ। हाथ क्यों छोड़ा बे? खोलू क्या तेरी छतरी? अरे तेरे को क्या लगता है कि रायता तू फैलाएगा और साफ मैं करूंगा? नहीं। अगर उसने पुलिस कंप्लेंट किया ना तो पॉलिटिक्स में बच जाएगी मेरी। अरे ये दिखा के मंत्री बनूंगा मैं? नहीं नहीं, मंत्रालय के गेट पर पहुंचने से पहले ही ना पॉलिटिक्स से आउट। करेक्ट है भाई। नीचे देखकर बटन क्या गिनता है? लगा फोन उसको और बोल के मैं मंडवेरी करने के लिए तैयार हूं। जी भाई। क्या हुआ? भाई को तो आदत हो गई कपड़े फाड़ने की, वो खतरे के पैसे बाकी थे ना। हाँ। चार महीने से लटका रहा था, इसी ने लाफा मारा उसको। अब डरेगा नहीं तो भरेगा कैसे? जब कान के नीचे बजाया तभी पैसा भरा कि नहीं उसने? बराबर है। पथुरी ना करो तो प्रॉब्लम, करो तो प्रॉब्लम। ए गफूर, तेरा फुरफुर ना बन कर। अभी तू जानता है क्या खत्री कौन है? कौन है? अरे यूसुफ भाई का आदमी। डांबर। तेरे को मालूम है ना भाई को पॉलिटिशियन बनने का है, पता है ना तेरे को? फिर ऐसा उल्टा काम करने का? अरे उसका तो मेरे को पता होना चाहिए ना भाई। अरे तू किसी का पता है? एड्रेस बैड्रेस मत पूछ अभी, भाई बात कर रहा है, समझा ना? हार्ड रिकवरी का भाई निकाल जल्दी, वो नहीं निकलेगा तो भाई क्या करेगा? कपड़े फाड़ेगा। हाँ जल्दी निकल, रात का मीटिंग है, नहीं तो भाई पता नहीं क्या क्या फाड़ेगा। ए निकाला जल्दी, टाइम पास मत कर। तू क्या देखता है? हाँ चलेगा चक। ए दो पिज्जा भेज, पिज्जा। ए पिज्जा रख तेरा। हाँ भाई वो हार्ड रिकवरी का फाइल निकाल। अरे रेडी है यार, रेडी है, एकदम रेडी। हार्ड रिकवरी ये है, अनिल शर्मा, शिल्पा शर्मा, हस्बैंड वाइफ है। लिफाफे में डालकर लाया करना। सॉरी सर। छह महीने की रेंटल रिसीट लगानी थी, चार महीने की लगी है। पहली बार डिवोर्स ले रहे क्या? जी सर। वो या तो दो महीने की रिसीट और लेकर आइए या दो महीने रुक जाइए। सर आप बोल क्या रहे हैं सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा। चलो मुझे समझ में आ गया, मैं आपको समझाता हूँ। आओ। ओके। आपने तो कहा था कि डिवोर्स हो जाएगा। अच्छा, मैंने तो ये भी कहा था कि 500 के दो नोट लगेंगे, आपने दिया एक। हाँ बकास, आपका मूड खराब कर दिया। देखो तुम लोगों की वजह से ना मेरे बाकी क्लाइंट निकल जाएंगे। ओके। अरे लेकिन वो तो बोल रहा था कि पेपर्स कम है। हाँ वो दो रसीदे कम थी, रेंट की रसीदे। तो आपने दी क्यों नहीं? हा? ऐसा है मैडम, मैंने बहुत सारे लोगों का बिना रेंट रसीद के भी डिवोर्स करवाया। तो हमारा भी करवा दीजिए ना। करवा दीजिए ना दोस्त, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि 30,000 रुपए लगेंगे, लेकिन आपने दिए 20,000 रुपए। इतने में तो यही हो सकता है बस। अरे यही हो सकता है का क्या मतलब है? यही कि 10,000 रुपए और चाहिए। आपने 20,000 में अग्री किया था या नहीं? देखिए शादी के साथ फेरे लेते वक्त आप लोगों ने जीवन भर साथ साथ रहने के लिए अग्री किया था कि नहीं? पांडे जी ये चीटिंग हुई है, आप इस तरह बात मत कीजिए। शादी के बाद डिवोर्स लेना भी एक तरह की चीटिंग है। अच्छा हुआ कि आप जज नहीं है। और हाँ, जहाँ हमने आपको 20 दिए वहाँ 10 और दे देंगे तो फिर आपको डिवोर्स मिल जाएगा। ओके। लेकिन तब तक
तब तक झेलो एक दूसरे को। अरे क्या झेलो, आप झेल के दिखाइए इसे। क्या हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में थे तब तक इंस्टॉलमेंट देते थे, जब से अलग हुए इंस्टॉलमेंट बंद है। तू घर पे जाके उठा के लाना उसको। अरे घर में रहता किधर है, पगार वाला आदमी है। मैं बोलता है ऑफिस में धाड़ मार के उठाना पड़ेगा। उठाना भाई ठीक है। अगला कौन है? अगला है चंद्रकांत देसाई, उम्र 56 साल, पर्सनल लोन। मंडे से रिज्यूम कर लीजिए, बड़ी एकादशी है, अच्छा दिन है। थैंक यू बाबू, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने थोड़े से पैसों की लालच में आपकी कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है चंद्रकांत जी, आपकी अपनी मजबूरी थी। अब देखिए वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। खैर छोड़िए, ये बताइए मनीष के पैसे आए कि नहीं? नहीं बाबू, 3 महीना काम किया और फिर 6 महीने तक धक्के खाए, तब जाकर कहीं 1 महीने की सैलरी मिली। आप फिक्र मत कीजिए, उससे तो मैं पैसे निकलवा लूंगा। इसका टेंशन मत ले, 30 साल से एक ही बिल्डिंग में रहता है, आजू बाजू जाके थोड़ा बहुत आवाज किया ना, चुपचाप पैसे दे देगा। राइट, फर्स्ट टाइम राइट। ये रायन ब्रागेंजा, 1.5 शाना, दुनिया के हर कलर का क्रेडिट कार्ड है इसके पास, किसी भी बैंक को नहीं छोड़ा, बहुत बड़ा झोलर है, कभी नाम अलग कभी पता अलग, बहुत पोचेली आइटम है ये। You know I can't live without you, sweetheart. It's over. There's no solution to our lives. I have a solution. Art of living, yoga. तुम्हें इन क्लासेस की जरूरत है। मुझे कोई क्लासेस की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है सच बोलने की क्लासेस की। But darling, please understand. तुम सिर्फ बातें करते हो रायन, म्यूजिक कंपनी से ज्यादा तुम्हें क्रेडिट कार्ड कंपनी से फोन आते हैं, तुम्हारा सारा टाइम छुपने में और झूठ बोलने में गुजरता है। ये ब्रेकअप शेकअप इन चीजों के बारे में मेरे साथ बात मत करो ना, क्योंकि मेरे पास इन चीजों में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। रायन कम ऑन प्लीज, इट्स ओवर, इट्स ओवर। नैंसी, नैंसी, रायन ब्रागेंजा मालूम है आजकल क्या कर रहा है? जिधर भी मिलता ना उधर पकड़ उसको, घर में मिलता है, होटल में मिलता है या गर्लफ्रेंड में मिलता है। गर्लफ्रेंड को? अरे गर्लफ्रेंड नहीं, उसको पकड़, उसको पकड़। अच्छा अच्छा, ये दूसरा केस, प्रेरणा जोशी। Hand it over to me tomorrow. Yeah. So, हमारी अगली डेट कब है? अगले महीने की 20 तारीख, और शायद उसी दिन हमें केस का जजमेंट भी मिल जाए जो हमारे फेवर में ना हो। यानी हमारे पास 40 दिन और है। एग्जैक्टली 40 दिन जो यूं निकल जाएंगे। कोर्ट नीड्स एविडेंस एंड इट नीड्स इट नाउ। ये केस मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी श्रुति, विल अपील इन हायर कोर्ट। हायर कोर्ट? हाई कोर्ट भी केस का मेरिट देखती है। पिछले 4 हियरिंग से हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें फोन करता है और कहता है कि उसने तुम्हारे पति का खून किया है और वो अब कोर्ट में हाजिर होना चाहता है। इट ऑल साउंड्स रबिश। पुलिस पागलों की तरह उसे ढूंढ रही है। एंड डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग? कब समझोगी तुम? हाँ थैंक यू, आई एम सॉरी। बट ये मिस्ट्री कॉलर है कौन? But don't worry, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। एक बुरी खबर है। पुलिस और सब? रफीक का इंतकाल हो गया। क्या? और पुलिस वालों ने उसके घर से कोकीन और हथियार बरामद किए। कब हुआ ये सब? आज सुबह। ओह माय गॉड, लेकिन मेरे 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 पैसों का क्या होगा? मैंने 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेके लफी भाई को दिए थे, वो कहाँ से चुकाऊंगी? बेटा वो जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है, ये सत्तार का कारण है। पुलिस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, सब में पहचान है इसकी, शायद ये तुम्हारा काम कर देगा। रफी के बाद अब सत्ता, एक और गुंडा, लेकिन मेरे पैसे फंसे हैं, उसका क्या? मेरे को लफड़े वाला केस लगता है। हा?
सली रहती है बांद्रा में और लोन अप्लाई किया है भेंडी बाजार में। अच्छा, कुछ तो लोचा लबाचा लगता है इसका। प्रेरणा जोशी को फोन कर, उसको बोल अभी का भी पेमेंट करने को। तो इसी नंबर से फोन है। हेलो। हेलो मैडम, अपन ऑल इंडिया बैंक से बोल रहा है, कल अपना लड़का आएगा, उसको पेमेंट कर देना। हेलो हेलो, आप गुड लक रिकवरी एजेंसी से बोल रहे हैं? हाँ, क्यों? ओ मिस्टर सत्तार, आपके सत्तार भाई अपने भाई है, क्यों? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? देखिए मैडम, पहले आप पैसे दे दीजिए, फिर आप भाई से भी मिल सकती है और मुझसे भी मिल सकती है। लेकिन अगर मैं चेक देने खुद आ जाऊँ तो क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? बोल रही है चेक देने खुद आऊं तो भाई से मिल सकती है क्या? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? पैसा सामने से आ रहा, वो आएगी तो भाई भी खुश हो जाएगा, बोला देखो। हेलो मैडम, कभी आएंगे आप? कभी भी, आई मीन आप बोलिए कभी। एक काम कीजिए, आप परसों 5 बजे आ जाइए। ओके श्योर। ठीक है मैडम। आ रही है। ठीक है, वो डिसेंट को फाइल दे और उसको बोल परसों 5 बजे वो भाई को मिलने को आ रही है, समझा? और जो बाकी की रिकवरी है ना, वो तू लड़के लोगों को लेके निकले, चल। ये सब चक्कर में फंसना मत, बहुत एक्सपेंसिव आइटम है वो। तू तो एक क्रेडिट कार्ड बनाने जा रहा है ना, साला 4-5 छापना पड़ेगा उसके लिए। इंडिया बैंक से आया अपन। रायन, पहचानते हो रायन को? नहीं। तो फिर मैं रायन कैसे? मिस्टेक। राइट राइट, स्वीट।
अंदर आइए ना प्लीज, कम कम। अरे वो रायन का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बाकी है। रायन का? रियली? वेल वो तो बैंकॉक गया, एक हफ्ते में आ जाएगा, बट डोंट वरी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, बहुत शरीफ लड़का है। और तू? जेम्स। जेम्स बॉन्ड? बॉन्ड बॉन्ड जेम्स, ये सारा नाम कहीं सुना हुआ लगता है रे। हाँ, तेरा भी कुछ बाकी है ना? अरे लोन्स नहीं, नहीं मैं तो कुछ नहीं लेता, बस सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ऐसा फंडा। ऐसा कुछ नहीं, लेने का लोन, लेने का अपन देगा तेरे को लोन, मास चकाचक ये सब झकास बना देने का, क्या बिंदास। ये देख ये अपना कार्ड है, रायन को देने का, बोलने का इधर आके मिलने का। कूल हाँ, सत्तर भाई अपना। एक्चुअली गाइस मुझे भी जाना है। अच्छा ठीक है रायन आएगा मैं उसे बता दूंगा। बता देना, उसको बोलना कि ऑफिस आ जाए। अपने सत्तर okay, ना बहुत डेंजर आदमी है, उसको बता पैसे का झोल है उसका बहुत। राइट हम्प्टी डम्प्टी। चल रे जल्दी साहब, ये वेटिंग है। तो दिखता नहीं क्या मेरे को वेटिंग? हाँ बस सामने जाके आने का। चल। अरे साहब वो आंटी बोली कि। कौन सी आंटी? आंटी आंटी मेरी आंटी ना, उसी के तो काम से जा रहा हूँ। और तेरू क्या, तू मीटर पढ़ा ना, चल 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 चल। ए, रुक रुक रुक। बापू आपका वो देता हूँ आया। एक बीड़ी भी मत देना साले को, एक बीड़ी मत देना। हमेशा ऐसे ही बोलते हो, बाद में खुद दे देते हो। चुप। चल एक पैकेट ला। पैसा? तीन महीने का हिसाब किताब बाकी है आपका। चल बता ये पैकेट जोड़ के हिसाब कितना हुआ? और जल्दी बता अपन लेट हो रहा है। पर 350 और 50 कितना हुआ? 400 और 700 1100 और 1000। आराम से चाचा, जल्दी क्या है? तू कैलकुलेटर क्या? ना। एक काम कर, कल तक का कर दे, कल सब कुछ दे दूंगा, ठीक है? क्या बात है चाचा, बड़ा हैवी हो रहा है तू आजकल, एक्सरसाइज कर ना। आज तक इसका दिया जो तेरा रखेगा। एक काम कर, ये भी जोड़ दे, लिख छोटू टाइगर। रान भैया जब रान आएगा उसका अकाउंट में लिख देना। छोटू क्या बोला? कुछ नहीं, आज फिर चूना लगा कर। चुप, बस बोलता है, जा जा पढ़ाई कर जा। अरे कौन था ये? रान। रायन, लेकिन फोन पे तो ये लगा गया चुना। लगता भाई अपुन से खेल रहा है। अरे इसको भी हार रिकवरी में लेना पड़ेगा रे। चले एक पैकेट सिगरेट दे। पैसा? पैसा इसके अकाउंट में लिख लेना। चला भाई श्री संत को बॉल लगा दो। अरे भाजी ने कितना बार बोला मैं, चंद्रकांत भाई घर में नहीं है, बार बार घंटी बजाता है, मेरा स्वीटी सो नहीं पाता है। अरे तो अपना स्वीटी को इंग्लिश में बोल, चुप बैठने को कहो तो हिंदी में समझाओ उसको। चंद्रकांत भाई कैसे कैसे लोग आते हैं, इंजेक्शन देगा तुम्हारा स्वीटी को, चल जाओ चल। बात करता है इंजेक्शन देगा, छोबड़ा देखा है इंजेक्शन देगा। मेरी माँ। आपकी तारीफ जी, हम ऑल इंडिया बैंक से आए। आपके पर्सनल लोन का चेक उड़ी मार रहे अंकल। आप अंदर आइए। अंकल इधर ठीक है? देखिए मैं 5 महीनों से बेकार था, अभी अभी मेरी नौकरी लगी है, अगले महीने से मैं पेमेंट करना शुरू कर दूंगा। अभी प्रॉब्लम है। तेल लेने गए आपकी प्रॉब्लम, ये सब सुनने के लिए नहीं आया अपन। थोड़ी मोहलत दीजिए। क्या अंकल, लोन भी देने का मोहलत भी देने का, कैसे चलेगा? अंकल हम लोग को भी आगे जवाब देना पड़ता है। आप अगर कहें तो मैं आपके सीनियर से रिक्वेस्ट कर लूंगा। रिक्वेस्ट करने का स्टेज गया अंकल। परसों 4:30 बजे रोकड़ा लेके आ जाना इस एड्रेस पर। चलो रे चलो, 4:30 बजे रोकड़ा ले। चल रे चॉकलेट। स
सर, ऑल इंडिया बैंक से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। वो लोन के चेक के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। ये लोग बैंक से आए हैं? जी सर। अच्छा, कह दो कि मैं एब्सेंट हूँ। नहीं, कह दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। नहीं, कह दो कि मैं बिजी हूँ। हाँ, और कह दो कि कल आने के लिए, कल फोन करने के लिए। ओके सर। हाँ, अच्छा। अरमान, सर वो लोग कह रहे हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो लोग बॉस से मिला जाते हैं। ओके ओके, कह दो कि मैं आ रहा हूँ। ओके सर, आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप थोड़ा वेट कीजिए। क्या नाम है? अन्नु। नहीं नहीं, कंपनी का? तोलाराम केमिकल्स। अच्छा है जी। कहिए अनिल, क्या चाहिए आपको? रोकड़ा। चल तेरा मिनिमम अमाउंट का चेक बना। तेरे कार्ड का और तेरे लोन का पिछले 4 महीने से ईएमआई नहीं आया। ठीक है वो तो मैं भर दूंगा, लेकिन आप घर पे फोन कीजिए ना, यहाँ ऑफिस में मत आया। क्यों? चेक तो तूने ऑफिस में लिया था ना? वो तो है, लेकिन जरा बाहर चल के बात करते ना। नहीं, आप उनको इधर ही बात करते। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए ना प्लीज, बाहर चल के प्लीज। थैंक यू। कल आ जाओ। तोलाराम केमिकल्स जी। प्लीज सर, आप लोग यहाँ मत आया कीजिए, मेरी इज्जत की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मुझे बुला लीजिए, मैं भाग के आपके ऑफिस आ जाया करूंगा। ये ले, परसों 4 बजे पैसे लेके आ जाना। कहाँ? कार्ड नहीं पड़ेगा क्या? हाँ, पड़ता। चला आ जाना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसा बेटा? बस ठीक हूँ भाईजान। सॉरी सॉरी। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है यार। बोल कैसे आना हुआ? बस भाई, भाई आपकी तरह मुझे भी ये सब करना है। क्या भाई? जैसे कि आपने पहले भाईगिरी से कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से पॉलिटिक्स, फिर पॉलिटिक्स से सोशल वर्क किया है ना। देखिए भाई, भाईगिरी से बिजनेस तक तो मैं पहुंच गया हूँ, पैसे भी बहुत कमा लिए, अब पॉलिटिक्स का नंबर है और फिर सोशल वर्क तो है ही ना उसके बाद। समाज सेवा। ओए रोज खबरें छपती हैं तेरी अखबारों में, कभी वसूली, कभी मारामारी और कभी ये गुंडागर्दी। ओए अगर इस गुंडागर्दी से पास नहीं आया ना, फिर भूल जाइए पॉलिटिक्स। अरे भाई, वो आज की न्यूज है ना, वो लास्ट न्यूज है। अगर आज के बाद ना अगर न्यूज आएगी तो गुड न्यूज आएगी। बस एक बार मौका दे दो ना भाई। अच्छा, तो फिर एक काम कर, वो है ना मेरा नाथ आश्रम का फंड है ना, वो फाउंडेशन का, उसके लिए 50 लाख का एक चेक दे दे, इसी बहाने एक अच्छा काम भी हो जाए। हाँ। ये चेक कट रहे किसके नाम पे पड़ो? ये चेक दे। ये लो भाई। हाँ। भाई ये आप ही भर लीजिए, अब तो पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री कंफर्म है ना। सौदेबाजी कर रहा है? क्या बात कर रहे हो भाई, मेरी मजा ले क्या? मैं तो अच्छे काम की प्रैक्टिस कर रहा। अच्छे काम के लिए अच्छी नीयत का होना बहुत जरूरी है। मैं समझा नहीं भाई। तू समझेगा भी नहीं, अब देख सकता है, पैसा तो इंसान अपने नसीब से कमा लेता है, लेकिन लोगों का दिल जीतने के लिए ना नसीब की नहीं, अच्छी नीयत और अच्छे दिमाग की जरूरत होती है, जो अल्लाह के फजल से तेरे पास आया है। तो या तो तू उसको इस्तेमाल करना नहीं जानता, या फिर जाता ही नहीं है। ओए पटेल। हाँ भाई। और तू इसको समझाता नहीं? नहीं, मैं समझाता हूँ, लेकिन भाई समझते ही नहीं है ना। नहीं, समझते हैं भाई, समझते हैं, लेकिन समझ समझ में फर्क होता है ना भाई। आप ऐसे ही चप्पल मार लो ना, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में घुसना है बस। लोगों के घर में घुस रहा है? ओए सियासत का मतलब है अवाम, और लोगों को साथ लेके घुस, और सबसे बड़ी बात है लोगों के दिलों से अपना डर निकाल, उनके दिलों का हाल जान, उनकी तकलीफों के लिए रास्ते निकाल,
इज्जत देने से इज्जत मिलती है, देख लेना। जब तू उनको इज्जत देगा ना तो यही लोग तुझे सर पे बैठा लेंगे, और एक बार तू उनके सर पर बैठ गया ना तो कुर्सी पर भी बैठा देंगे। फिर देखना पुत्र, दिल्ली दूर नहीं। भाई आपकी बात है ना दिमाग में बैठ गई है, आपकी बात हिट भी है और फिट भी। एक घंटे से धपा धप दे रहा था, दिया मिर्जा की तरह। वो सानिया मिर्जा, वो अरे मिर्जा तो है ना यार। हाँ क्या है ना, वो यूसुफ भाई को ना मैं बाप की तरह मानता हूँ। हाँ। इज्जत करता हूँ मैं उसकी, और आज वो मेरे को इज्जत सिखा रहा था। क्या नाम है रितिरा है? टीशर्ट। वो क्या है ना, वो पुराना चावल है। हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देख देख के बड़ा हुआ है। बराबर समझा, ये लंबे लंबे डायलॉग देने से किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। लोगों के दिलों पर राज करो, समझा। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। दिल्ली दूर नहीं, गधे पे बैठो, ऊंट पर बैठो, बैलगाड़ी में मत बैठो। बैलगाड़ी पे मत बैठो, करेक्ट। चार लोग के साथ धंधा शुरू किया था, आज 400 लोग हैं अपुन के पास। हलवा है क्या तेरा मुंह, या बैंगन की तरह क्यों लटके लाए? नहीं कुछ नहीं, बोल ना। पूरा नहीं लगेगा ना आपको? नहीं 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 भाई, यूसुफ भाई सही बोल रहे हैं। हाँ भाई, नहीं मतलब सुनते तो आप उन्हीं की हो, और उन्हीं को ही मैं सुना नहीं, वापस बोल। नहीं मतलब आप सुनते तो यूसुफ भाई की हो ना, और उन्हीं को ही आप फोन। हाँ बोल। अरे आ रहा हूं ना। ए गधे, क्या तेरे को नहीं, उसको बोल रहा हूं। ए गधे, सेंट्रल के बर्थडे पे ले। अबे जला रहा है बुझा रहा है भाई, इसके पिछवाड़े लात मारने से ना बराबर हवा निकलती फुग्गे की तरह। भाई फोटो खिंचवाते, ए फोटो। ए तेरे को फोटो का शौक है ना, तू खिंचा और लटक दीवार पे। आप उनको दीवार पे लटकने का शौक नहीं है, समझा। भाई बड्डे बुड्ढे होता आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तेरी जिंदगी का एक साल कम हो रहा है और तू केक काट रहा है। क्या करूं भाई, बैठने का इंतजाम किया गया है ना ऊपर एकदम स्पेशल भाई। यूसुफ भाई के मीटिंग ने दिमाग में गैस कर दिया, अभी डा करता हूं। ए डिसेंट। हाँ भाई। इधर। हाँ भाई। क्या भाई? इलेक्शन में खड़े रहने का है? नहीं तो बैठ। क्या पी रहा है? बियर। बियर? हाँ। क्या करे भाई, गाड़ी है ना। हाँ। ऑयल से नहीं चलती, उसमें पेट्रोल भी डालना पड़ता है। क्या कर रहे भाई, ज्यादा हो जाएगा ये। स्कूल का प्रिंसिपल कौन? आप। चल घटक ले भाई, एकदम फास्ट हो जाएगा ये। अरे वही तो मैं चाहता हूँ कि तू फास्ट हो जाए, ढीले लोगों की तरह नहीं। ये देख आया ढीला, ये बर्थडे बॉय, ज्यादा फुदक मत। बर्थडे का मतलब जिंदगी का एक साल कम। चल कम हो जा भाई, पियो। भाई पेट्रोल गया भाई, अतड़ी जल गई भाई। अच्छा ये बता, क्या भाई तेरे को लगता है यूसुफ भाई सही बोल रहे थे? नहीं भाई, नहीं नहीं सही बोल रहे थे, सही बोल रहे, सही बोल रहे थे। आदमी को कंट्रोल में रहना चाहिए, कंट्रोल। इंसान को शेड्यूल हमेशा टाइट बनाना चाहिए, शेड्यूल टाइट होना चाहिए हमेशा। अभी एक बेटा आज फुल स्टॉप है, वो कल वर्किंग डे। आप टेंशन मत लो भाई, बड़े भाई की तरह एकदम बड़े भाई, बड़े भाई की तरह हूँ। हाँ
हमने बोला आप मेरे बड़े भाई है। सुबह क्या बोले? सुबह बोले कि भाई देखो आप लोगों को इज्जत देंगे तो लोग आपकी इज्जत लेंगे। इज्जत लेंगे बोला? मैंने फ्रॉक पहने रहा है क्या? आप लोगों को इज्जत देंगे तो लोग आपको इज्जत देंगे। देखो भाई आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम, आपका टेंशन मेरा टेंशन, आपका प्रॉब्लम एक मिनट में सॉल्व कर देगा मैं। मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। हाँ इसे सुबह बोले भाई, मतलब अभी देखो इतना आपने पिला है, मैं कंट्रोल में है कि नहीं? है ना कंट्रोल में? सॉरी कंट्रोल रखो। हाँ भाई लेके जाइए इसको, कंधा दे। चले चलो आप कंट्रोल कह रहे, इतना अंधेर है क्यों? अरे वो ए भाई देखो लाइट बंद है, ये मीटिंग है बैंक का। ये सुबह चेयर्स है। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अच्छा सत्तार भाई आपने पेपर देखा? इसमें नई बात क्या है? यहाँ बिजली बंद, वहां पानी गुल, यहाँ फटा वहां फटा। क्या क्या फटा भाई? अरे भामी यार अलकायदा। क्या फायदा? कल सुबह 11 बजे इसी पेपर में ना लोग भजिया पाव खा रहे होंगे। हाँ भाई है ना। हाँ भाई मजाक बहुत हो गया सत्तार भाई, ये हमारे बैंक की रेपुटेशन का सवाल है और आपकी ये गुंडागर्दी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। यू बेटर अंडरस्टैंड, ये मैटर पेपर में आ गया तो आपको पसंद नहीं। ये मत भूलिए कि मैं जयकर के पास गया था आपके पैसे वसूल करने, जिसका आप मुझे कमीशन देते हैं, वो भी चेक से TDS काट के। मगर पैसे प्यार से भी तो वसूल किए जा सकते हैं। अरे चेयरमैन साहब प्यार से तो बच्चे पैदा होते हैं। अगर आपको इतना आसान लगता है तो आप दो एयर होस्टेस खड़ा कर दीजिए हाथ जोड़ के। क्या कहते रहे? वो पैसे की पेटी वापस करने का संकेत पूरा हो चुका है, लोनियों से नम्र निवेदन है कि हमारे पैसे वापस करें। और आपको मिल जाएंगे, हमारी क्या जरूरत है? सर अब हमें इनसे बैंकिंग भी सीखनी पड़ेगी। इनसे फनी सीखनी पड़ेगी बॉस। सुबह से लेकर रात तक तुम लोगों को फोन करते हो, लोन लो लोन लो लोन लो, और जिसका रॉन्ग नंबर लगता है ना उसको भी ये लोग लोन चिपका देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई ये लोग ICICI स्कीमें निकालते हैं, 24 घंटे में लोन, 1 घंटे में लोन, 5 मिनट में लोन, प्रसाद की तरह लोन बांटते हैं, समझ में नहीं आता। और ब्याज ऐसा बढ़ा देते हैं कि वो ब्याज भरने के लिए भी लोन देते हैं लोग। लेकिन हम लोगों की हेल्प करते हैं लोन देकर, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये सड़ेली कहानी किसी दूसरे को सुना। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, पहले प्रॉब्लम खड़ी करते हो और फिर लोन देके उसे सॉल्व करते हो। करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट है। लेकिन ये हमारी मार्केटिंग पॉलिसी है, हम लोगों के पेपर्स देखते हैं, उनको लोन देते हैं। आप न्यूज़पेपर देखते हो, लोगों की लाइफ के पेपर्स नहीं देखते। चेयरमैन साहब हर डिफॉल्टर का कोई प्रॉब्लम होता है, पहले वो प्रॉब्लम समझिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए कि लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं। अगर आप लोगों को इज्जत देंगे तो लोग आपको इज्जत देंगे। What an idea, सर जी। मिस्टर सत्तार आपकी बात सही है, लेकिन हमारा बैंक भी इतना गलत नहीं है। ठीक है, we'll try to follow your marketing policy, okay? लेकिन आप भी इस बात का ख्याल रखिएगा, आपको बैंक की तरफ से जो भी कोऑपरेशन चाहिए हमारा बैंक देगा, हम आपके साथ हैं। Let's create a new beginning. Thank you, sir. Best of luck. गुड इवनिंग। ए चल बैठ इधर भाई साहब। जरा भाई साहब जरा ओके यहां कैसे? हाँ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, तीनों। मेरा तो सिर्फ एक ही है। फर्स्ट टाइम है क्या? सुसिन कितना ओवर एक्टिंग करता है, क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा कर समझा? उसका
ए बचकाना जा हॉस्पिटल लेके जा उसको, पैसे नहीं है उसके पास। ठीक है भाई, ए लेके जा उसको। भाई लगा क्या? किडनी बेच के वसूल करना पड़ेगा साला। अनिल अनिल नर्वस है क्या? हाँ, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। पैर मत हिला, टेबल हिल रहे। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, ट्रैवल लोन सब ले लिए तूने। बहुत मजा किया ना, सारे पैसे भूख डाले। तूने क्या सोचा सत्तार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? अबे ये पैसे तेरे दहेज में आए थे क्या? लिया है तो चुकाना पड़ेगा। बोल कब दे रहा है? भाई मैं और मेरी बीवी अलग हो गए, अकेला रहना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। आधा पैसा तो भाड़े में चले जाता है और जो बचता है वो लॉयर ले जाता है। तो घर चलाऊं या लोन भरूं? लोन भरेगा तो घर चलेगा, अगर लोन नहीं भरा तो तू कैसे चलेगा? हा? अभी सच सच बता, तू डिवोर्स काहे को ले रहा है? कहीं तेरा ओवर टाइम? नहीं भाई। फिर पप्पू का प्रॉब्लम है? एक मिनट, इसके भी पैसे बाकी। इधर ही बैठा था तेरी कुर्सी पे, बहुत मस्त डॉक्टर है। ये ले। स्वप्न दोष शीघ्र पतन। सेक्स डॉक्टर? नहीं भाई इसकी तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। पावर ज्यादा हो गया क्या? हाँ ये ले। ओके। ये रेडी, आगे की कहानी बोल। भाई थोड़ा पर्सनल है। ये लोन भी तो पर्सनल था, तू क्या चाहता है? मुझे गुस्सा है, मैं तुझे मारूं। नहीं भाई। तू अस्पताल जाए और मैं 2-3 घंटे के लिए जेल जाऊं? बिल्कुल नहीं। ये कोई मजाक है क्या? चल बोल। आज घर पे हो बेबी? नया जॉब ढूंढने के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। वाओ, 1 हफ्ते की छुट्टी मतलब 7 दिन घर पे। मैं भी छुट्टी ले लेता हूँ, फिर हम दोनों 1 हफ्ते मजे करेंगे। Stop it, we are married now. हमें हमेशा साथ ही तो रहना है। What the hell यार? तो फिर छुट्टी क्यों ली? क्योंकि नया जॉब ढूंढने के लिए कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ना। बेबी दूसरे जॉब की क्या जरूरत है? जरूरत है, हमारी 1 पैसे की सेविंग्स नहीं है। हम अपनी फैमिली कब चालू करेंगे? कुछ करेंगे तब जाके फैमिली शुरू होगी ना। You know you're ridiculous. हमारे पास जो पैसे आते हैं सारे EMI में चले जाते हैं, हमारी दूसरी जरूरतों का क्या? फिजूल के खर्चे बंद करोगी तब जाके सेविंग्स होगी। अब फॉरेन जाने की क्या जरूरत थी हनीमून के लिए? और तुम्हारी कार और लैपटॉप उनका क्या? उनके बगैर जी रहे थे ना हम? मुझे मत सुनाओ, मैं भर दूंगा। कब भरोगे? जब पैसे आएंगे तब। What do you think? और वो कभी नहीं आएंगे, because you're not ambitious at all. Oh God, तुम्हारा मतलब है कि मैं मेहनत नहीं करता? और क्या, मैंने तुम्हें ऑफिस में कम और घर में ज्यादा देखा है। और मैंने तुम्हें घर में कम और ऑफिस में ज्यादा देखा है। क्योंकि ऑफिस में ही सारा काम होता है, घर में नहीं। घर में तो सिर्फ गंदी सीडीज और मैगजीन देखी जाती है। देखूंगा और खूब देखूंगा, क्योंकि जब भी तुम्हारे पास आता हूँ या तो तुम्हारे सर में दर्द होता है, या तो तुम थकी हुई होती हो, या तो फिर और कोई बहाना करती हो तुम। बहाना? पूरा दिन ऑफिस में काम और घर में आके तुम्हारे लिए खाना बनाओ। एक दिन तुम करके देखो ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। प्लीज तो फिर मत करो ये नौकरी, मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही हो तुम ये नौकरी करके। मैंने अगर नौकरी छोड़ दी तो बिल्स कौन भरेगा, EMI कौन भरेगा? तुम अगर घर के सारे खर्चे उठाते हो तो अभी छोड़ देती हूँ नौकरी। मुझे कोई शौक वॉक नहीं है नौकरी करने का। ओह शट अप, आई डोंट वांट टू लिसन टू ऑल दिस रबिश। फिर तूने कपड़े उतारा, पैजामा पहना, चड्डी निकाला, ये सब अपन को नहीं सुनने का है। तेरा डिवोर्स कैसे हुआ वो सुनने का है बस। क्या देख रहे हो? मैंने पूछा क्या देख रहे हो? सिर्फ देख रहा था। नहीं, तुम्हारी तरह नहीं। What do you mean? I mean मैं सिर्फ देख रहा था। तुम प्रैक्टिकल करके आ रही हो? क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? हाँ शक करता हूँ तुम पे, शक करता हूँ। जब भी तुम्हें फोन करता हूँ तुम फोन नहीं उठाती हो। तुम क्या समझती हो मुझे पता नहीं है क्या चल रहा है मेरे पीछे? तुम्हारे सारे वैलेंटाइन्स के मैसेजेस भी मैंने पढ़ लिए हैं। अच्छे लगे ना तुम्हें? It's not funny. Of course it's not funny. तुमने अपने SMS देखे हैं? Who are you sleeping with? पत्नी हूँ मैं तुम्हारी। घटियापन की भी कोई याद होती है? किसको घटिया बोल रही हो? हाँ किसको घटिया बोल रही हो? तुम घटिया हो, तुम्हारा पूरा खानदान घटिया है। Get out. भाई उसने मुझे थप्पड़ मारा और आप हंस रहे हैं। देख तेरा प्रॉब्लम क्या है?
कि तूने अपनी बीवी के हाथ से थप्पड़ खाया। तूने अपनी बीवी के हाथ से थप्पड़ खाया। भाई अब बस भी करो ना भाई। देख, हिंदुस्तान में कितने आदमी हैं जो अपनी बीवियों को मारते हैं? क्या हर पत्नी अपने आदमी को छोड़ के जाती है? नहीं, तेरी बीवी ने तुझे थप्पड़ मारा। वो तो उस टाइप की बात है ना। देख, तुम लोग पढ़े लिखे हो, कमाते हो यार, तो क्या भाई मैं अपनी इंसल्ट भूल जाऊं? सॉरी भाई। वाह बेटा, मैंने थप्पड़ मारा तो सॉरी भाई, और बीवी ने थप्पड़ मारा तो तलाक तलाक तलाक। देख मेरी बात सुन, उसे मांडवेली कर ले। मैं गया था उसके पास भाई, लेकिन उसने जो कहा वो अच्छा नहीं था। वो कहती है कि मुझमें दम नहीं है। दम नहीं है? अरे इसीलिए तो ये डॉक्टर का कार्ड दिया मैंने तेरे को। भाई ये दम नहीं, दम। देख, अच्छा चल मेरी बात सुन, 25,000 का चेक लिख, कल से तेरी बीवी को लगेगा कि तुझ में दम है। ए छोटा यूसुफ, यूसुफ ए तू रे इधर आ, इधर खुल गई अपनी नेकी की दुकान। ए बोल दे अपने बड़े यूसुफ को। हाँ। ए वर्डी वो चेक है ना, वो इसको क्या नाम है रे, डिसेंट, सही बोला ना? हाँ हाँ भाई, तेरी बिरादरी का है, समझा रे इसको। चल ठीक है भाई। अच्छा चल चल जा जा जा। वैसे अपना नाम राजकुमार भी है, प्यार से भाई मेरे को। एसिडिटी रात को पी पी के वाट लगी भाई। तो अपना नाम पीपीपी बोले तो प्रेम प्रकाश पटेल, एकदम डिसेंट फैमिली से अपन, इसलिए भाई अपने को डिसेंट करके पुकारता है, एकदम प्यार करता है भाई अपने को। वो सब ठीक है, आप ये बताइए ना कि स्कीम क्या है। सिंपल है, अपना पंटर लोग जो है ना वो तुम्हारी वाइफ को फोन करके डराएंगे धमकाएंगे, हो सकता है घर पे आने की धमकी भी देंगे। आ जाएंगे घर पे। ऐसे कैसे घर पे आएंगे? अरे घर पे आएंगे तो तेरी बीवी डरेगी, तेरी बीवी डरेगी तो तेरे को फोन करेगी ना। समझा क्या तू? फिर इधर एकदम हीरो बन के एकदम चमकेश में आने का, एकदम शाइनिंग मारने का, गाली बिली देने का, समझा ना? आप लोगों को गाली कैसे दूंगा? पीपी हो गया तू, मेरा नाम लिया। अच्छा ठीक है, देख तेरे को हीरो बनने का है ना तो गाली देने का, समझा ना? और जाते टाइम चेक देके जाने का, इधर इधर इधर। सलाम। देखिए, मैं इस महीने के 30,000 नहीं दे सकता, यह भी 10,000 का चेक ले लीजिए। आप कुछ भी देंगे मैं ले लूंगा सर झुका के। मैं यह चंदा जमा करने नहीं बैठा हूं, एक सवाल पूछूं। पूछिए। ये पैसे आपने डाले कहां? जुआ, रेस कोर्स, लड़की, शेयर बाजार? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? अरे मजे की बातें कर रहा हूं। किस मजे में आपने घुसाए वो 10,00,000 रुपए? देखिए, मैंने मौज मस्ती के लिए लोन नहीं लिया, अपने बेटे को परदेश भेजा पढ़ने के लिए, बस इतनी सी गलती की। I'm sorry अंकल, वो क्या है कि हर लैंग्वेज में बात करना पड़ता है ना, रिकवरी का धंधा ही ऐसा है। खैर छोड़िए, कब आ रहा है आपका बेटा? वो तो यहीं है। अरे फिर तो अच्छा है ना, महीने के 15 आप चुका देना और 15 आपका लड़का चुका देगा, पुराना हिसाब चुकता और गाड़ी है ना ट्रैक पे आ जाएगी। देखिए, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। अच्छा हुआ तू आ गया, तू तो खुद समझदार है। राघुन कह रहा था कि रिटेल में बहुत बूम आया हुआ आजकल। अच्छा, तो राघुन अंकल को बोल दो ना ज्वाइन करने। बड़ों का मजाक नहीं उड़ाते। ओके ओके, आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। आई वांट टू बी अ नेचर फोटोग्राफर डैड। अगले हफ्ते इसी के वर्कशॉप के लिए हिमाचल जा रहा हूँ। पर यार लंदन के लिए जो मैंने लोन लिया था उसका क्या होगा? डोंट वरी पापा, सब ठीक हो जाएगा। एक बार मुझे सेटल तो होने दो, ये नेचर फोटोग्राफी के कोर्स में 6-8 महीने लग जाएंगे, तब तक आप प्लीज मैनेज कर लीजिए। ना ना, क्या आपका बेटा रख के देना चाहिए इसी औलाद को। लेकिन सत्तार भाई, मुझे तो लगता है कि मेरा बेटा खुद अपने आप को पहचान रहा है। आदर्श, नैतिकता, प्रेम, यही सब बातें तो बाप अपने बेटे आप से अपने दिल पे हाथ रख के कहिए और बोलिए, क्या वो आपसे प्यार करता है? पता नहीं। ठीक
आप टेंशन मत लीजिए। आपका बेटा घर कितने बजे आता है? करीब 8 बजे। 8 बजे? तो कल 8 बजे मैं आपके घर पे आता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आइए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? अरे आइए ना। ये मैंने उसे कई बार बताया मगर वो कमाल है, ऐसे मौसम में बारिश। दुनिया में हर चीज बदलती है अंकल, मौसम, रिश्ते, नसीब। अच्छा चलता हूँ, आदाब। आदाब। से थोड़ी मिलूंगा उससे। हाँ भाई। अभी कोई हरी ड्रेस पहन के आइटम आई लिए क्या ऑफिस में? कौन वो हरियाली? ए औरत के बारे में तमीज से बात कर। सॉरी भाई। भाई वो इधर ही जा रही है। उसे बोल मैं ऑफिस में नहीं हूँ। आई भाई ऐसे कैसे बोल दूँ? मेरे को तो मालूम है आप ऑफिस में ही है। जितना टॉक टाइम है उतना कर। जी हेलो जी, वो सत्तार भाई हैं? भाई बोल रहे वो नहीं है। अबे भाई नहीं, तू बोल रहा है कि भाई नहीं है। मैडम मैं बोल रहा हूँ भाई नहीं है। ओह कब आएंगे वो? भाई तो भाई है, कभी भी आ सकते हैं। अबे उसे प्यार से समझा कि मैं कुछ जरूरी काम के लिए ऑफिस से बाहर गया हूँ। उसका पता ले, उसका नंबर ले, उसे बोल के मैं उसे फोन करूँगा। नमस्ते, सत्तार भाई बाहर गए हैं, आप अपना नाम नंबर पता वो वहाँ पर लिखवा दीजिए, भाई आकर आपको खुद फोन कर लेंगे। हाँ देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। एक मिनट भाई, बहुत गिड़गिड़ा रही है। बोलती है बहुत जरूरी है। एक बात पूछूं भाई, ये आप सामने क्यों नहीं आ रहे? लोन आपने लिया है उसने? नाम पता नंबर कट। ये आप फोन पे क्या बोल रहे हैं? बिग एफएम सुन रहा है, भाई का फेवरेट। गाना भी बाहर आ गया। ए बचकाने चल, मैडम का नाम नंबर एड्रेस लिख। चले हेलो। अरे भाई तो भाई है, कभी भी आ सकते हैं। तू कब आएगा? थैंक्स। आज अपना मूड चेंज हो गया, रिकवरी कैंसल, चल कहीं चल के मूड बनाते। लगता है भाई डिसेंट के शेड्यूल और मीटिंग ने आपको बोर्ड पकड़ डाला है। हाँ यार, सबके अपने अपने प्रॉब्लम होते हैं। अपुन यार सबका प्रॉब्लम सुनने को बैठा है क्या? भाई लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने को ही पॉलिटिक्स बोलते हैं। पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो फिर खुद प्रॉब्लम बन जाओ। क्या बकवास कर रहा है गधे? अरे भाई ये अपने को विंसेंट क्लब नहीं जाने का, गोल्डन क्लब जाने का, मालूम है ना? ये अपुन ये विंसेंट के क्लब क्यों जा रहे थे? भाई क्या है, उधर का एक रिकवरी का केस सल्टा नहीं, सोच रहा हूँ उधर का रिकवरी भी हो जाएगा और दारू भी, मतलब दोनों टू इन वन हो जाएगा। उधर का डीजे बहुत लटका रहा है, लेकिन आप उन्हें बाद में कर लेंगे। चल भाई एक काम पहले समझा, विंसेंट के क्लब ले चल। हाँ भाई एक काम पहले रे। हाँ काम पहले। अरे चलो ए, ऐसा एक और ले गया। ये चोकले लो, ऑर्डर कर रहे हैं। ऑर्डर क्या पिएगा? ऑर्डर इसको एक थम्स अप। भाई ये हरा वाला क्या है? अबे शहर में ये बे, इधर तू जो कुछ भी पिएगा ना सीधा इधर चढ़ेगा, बस तू ऑर्डर कर। ए, बिल इसको देना। हाँ बिल मुझे ही देना, लेकिन पैसे इन्हीं से लेना। अच्छा जोक था, अब मैं तेरे को जोक सुनाऊं। जान ऑल इंडिया बैंक 4.5 लाख का लोन, 6 महीना ओवरड्यू, गुड लक रिकवरी एजेंसी, और तेरे सामने बैठा है सत्तार। कैसा लगा जोक? रोज शाम को तू इधर बैठ के क्रेडिट कार्ड पे दारू पीता है, हमने कभी तकलीफ दी तेरे को? नहीं भाई कभी। तो फिर तू हमें तकलीफ क्यों देता है?
कितनी इज्जत से क्रेडिट कार्ड तेरे घर पे पहुंचाया और कितनी बेइज्जती की तूने बैंक वालों की। नहीं भाई, बस मैं अपने पैसे देने ही वाला था, पर एड्रेस ही नहीं मिला है ना। क्या? हाँ चल, बैंक है ना, खुद चल के तेरे पास आएंगे। क्या देगा, चेक या कैश? बस भाई अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? अगले हफ्ते लॉटरी लगने वाली है क्या? ये बैंक का पैसा है ना, सरकारी बस की तरह है, घूम फिर के डेपो में ही आता है। डेपो तेरे सामने खड़ा है। भाई कसम से अगले हफ्ते। अगले हफ्ते क्या, पैसा या कसम? पैसा। अब मैं तेरे को दिखाता हूँ मेरे पैसे ना मेरे पास चल के कैसे आते। एक घड़ी निकाल। ये रहन, ये ले तेरा बैलेंस का 10,365, 10,365, और ये तेरा दारू का बिल का सेटलमेंट। गुड नाइट, गुड बाय, गुड बाय। गफ्फूर, ये ले मिनिमम रिकवरी। जी भाई। बाकी का पैसा कब देता है बोल, नहीं तो घर आके तेरा सामान उठा लेंगे। भाई सामान भी लोन पे ही है। भाई एडवांटेज ले रहा है मेरा, मेरा इसका क्लियर डील हुआ था कि दारू और खाना फ्री। भाई तो बगल ब्लडी लायर मैन। व्हाट बगल द लायर? डील था उसके साथ हफ्ते में 15 दिन बजाने का। अबे हफ्ते में 15 दिन क्या होता है? मेरा मतलब महीने में 15 दिन बजाने का और दारू और खाना फ्री। 3 दिन बजाते इसका क्या मतलब बनता है? मेरे पास दूसरा डीजे आगे ले भाई, आपको जो उखाड़ने का ना भाई इसके साथ उखाड़ो। चलना है, चलना अभी। हाँ ओके भाई। देख मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। ए लेके जा रहे इसको कोपचे में। अरे भाई तू चल। प्लीज प्लीज भाई, पीस पीस मैन। वो खाना बनना है ना। ए ए गफ्फर। हाँ भाई। ये देख रहे वो पिंक में कौन है? किधर भाई? ए गधे, पिंक का मतलब समझते नहीं क्या? वो देख। हाँ ये तो प्रेरणा जोशी, ऑफिस में आई थी, इसका पैसा बाकी है ना, ना सेंटर? हाँ भाई, वो हरियाली। ए तभी से बात कर। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, हम लोग को ये जानना है कि ये वनडे है या 2020। भाभी ओ मतलब पूरी सीरीज है। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग प्रेरणा जोशी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं करूँ क्या? नहीं कीजिए, लेकिन कुछ ऐसी वैसी बात मत कीजिए क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तू कैसा जानता है उसको? बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, वो छोटे से बड़े हुए। अरे छोटे से सब बड़े होते हैं ना यार। आपकी बात भी सही है, और सही बात ये भी है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। बहुत? नहीं नहीं भाई, प्रेरणा को छोड़िए ना, शी इज जस्ट नॉट योर टाइप भाई। वो देखिए ग्रीन माइन, एकदम कंफर्म्ड उसको मिला। ए तू अपना साइड बिजनेस है ना साइड पे रख, ये बता मेरे लिए कर क्या सकता? नहीं नहीं भाई, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, और बहुत कुछ भी कर सकता, लेकिन सिर्फ अगर आप सीरियस हैं। तेरी कसम, काम कैसे होगा? प्रेरणा प्रेरणा जोशी, हाँ बेचारी बोली भाली खानदानी, लेकिन भाई एकदम रोमांटिक सेंटिमेंटल लड़की। एक आइडिया भाई, आप दोनों आमने सामने, कभी वो आमने तो कभी हम सामने। ये आमने सामने के आगे भी कुछ है कि नहीं? है ना भाई, रोमांटिक म्यूजिक, रोमांटिक डिनर। कभी प्रेरणा की लहराती जुल्फे आपके कंधे पे झूलती हुई, तो कभी आपके चेहरे को झूलती हुई। अबे वो लहराती पतंग, भाई का गेम कभी होगा? लेकिन That's it भाई, I can't do this shit man. No, आगे बोल, आगे बोल। बस भाई फिर मैं सोच रहा था कि आप दोनों दिल खोल के प्यार की बातें करें। अबे कैसे करते हैं दिल खोल के प्यार की बातें? ब्रदर, जो लड़की दिल में हो वो जब सामने आ जाती है तो प्यार की बातें अपने आप होने लगती है। कब जाऊंगा उसके सामने? जब मैं जाऊंगा उसके सामने। तू क्यों जाएगा उसके सामने? आपको लाना है उनके सामने, सिर्फ डिनर के लिए आऊंगा। ओनली डिनर? ओनली डिनर। तो ठीक है, तो कल मैं उसे फोन करता हूँ, आर्मी फोन पे बात करता हूँ, परसों का डिनर फिक्स। बाकी के बाद मैं आपको फोन पे समझा दूंगा, नंबर तो है आपके पास। आप एक मिनट, आप भी जाओ उसके पास, कार्ड दे रहे? हाँ। भाई मैं ये कार्ड उसे दे और परसों का फिक्स कर। लेकिन भाई मैं अभी नहीं जा सकता। क्यों? वो क्या है ना कि उसके साथ बैठूंगा तो खर्चा तो होगा, और मेरे पास कुछ पैसे। कितने पैसे चाहिए? हाँ वेल, एक दो ड्रिंक्स, रिपीट ऑर्डर्स, चार पाँच।
भाई यहाँ अपन पैसा लेने को आए थे। जितना टॉक टाइम है उतना बोल, दे रहे पैसा। एक और दे। गुड लक रे, गुड लक, गुड लक, गुड लक। थैंक्स भाई। हाँ और भाई, जब मैं आ जाऊँ और प्रेरणा आपकी तरफ देखेगी तो सर नहीं भाई उतना ऊंचा नहीं, थोड़ा आंखों के लेवल, अंगूठा नीचे, आई के लेवल या और वो बात। माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, बस स्टाइल में जस्ट 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 प्रैक्टिस। गुड लक, गुड लक, गुड लक। हाथ पकड़, हाथ पकड़, घूम। Who's Prerna? Yes. Of course. Hi Prerna, how are you doing? I'm Brian, the resident DJ of this club. Wow, Brian. Hi, great music. By the way, I'm Shruti. Yeah, hi, how are you doing? Groovy, huh? Yeah. Actually, ma'am, aapke security ke liye kuch baat karna. Oh, security? Yeah, I mean, we have an issue, so can you please join me at that table? Okay. Well, ladies, we have a security issue. एक बहुत ही खतरनाक गुंडा हमारे क्लब में घुसा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। मैंने और मेरे सिक्योरिटी वालों ने उसे उस पीछे वाले कमरे में बंद कर। हाथ छोड़। By the way, that's his car. कितने ऑर्गेनाइज हो गए हैं। What's this? बस एक घंटे के लिए इस क्लब से बाहर मत जाइए। What do you mean by that, huh? वैसे आप ऐसे लोगों को अंदर कैसे आने देते? ये जहाँ तक है। आपको? What? मेरा मतलब है कि वो सिर्फ आपके साथ डिनर करना चाहता है। I mean कुछ बातें करना चाहता है। That's what he tells me. लेकिन आप घबराइए मत। मैं हूँ। कब करना है? You tell me. परसों? परसों मैं बिजी हूँ। परसों तो मैं भी बिजी हूँ एक्चुअली। कल? कल स्ट्रेट शुभ पर आप पहुंच जाएंगे पक्का? नहीं तो मुझे पहुंचा देंगे। वेल सी गाइस चलो। हां आग में प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ काम का? परसों फाइनल है ना? नहीं भाई परसों क्या, वो आप जैसे हैंडसम आदमी को देख के बोली कि वो परसों तक वेट नहीं कर सकती, कल मिलना चाहती। क्या बात कर रहे हैं सच्ची? हाँ भाई। कसम से भाई, आपकी कसम। अच्छा सुन, तेरा काम हो गया और मेरा क्या? मतलब ट्रेनिंग। अरे भाई आपको ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, थोड़ी पॉलिशिंग की जरूरत है, वो मैं संभाल। तो कल 9 बजे? 9 बजे तो डिनर है भाई। अबे सुबह के 9 बजे यार। हाँ हाँ भाई वो ऑलरेडी मर चुकी है। तो थोड़ा प्यार से भाई, रोमांटिक डिनर। मुर्गी से भी प्यार भाई? वो तू बता ना खा के। भाई मैं ऑलरेडी 4 चिकन खा चुका। एक टाइम और यार, लेफ्ट राइट, छोटे छोटे पीसेस, मूव ऑन, सिंपल। एक लास्ट टाइम यार भाई, डिनर आपको करना है, मुझे नहीं। अरे वो तेरी आइटम है क्या? कौन सी? अच्छे भाई लेकिन मेरी नहीं है। मुबन सुपर, अब डांस करें। There you go. सुपर, सॉलिड डांसर है यार। 1 2 3 4 सॉरी मैडम। नो नो, अरे सिस्टर सॉरी यार, ये डांस बात नहीं करने का। अरे भाई रहने दो, ऐसे होता रहता है भाई। हां There you go भाई, सिंपल एकदम। अच्छा यू आर नेचुरल भाई। वो यार इट्स द वे। Thank you.
आपके खाने के लिए नहीं है? अरे सुबह से कुछ नहीं खाया मैडम। ओहो, जस्ट हैंग ऑन, आई गेट यू समथिंग टू ईट। गिव मी दिस, गिव मी दिस। जी नहीं, मैं सत्तर सत्तर आप प्रेरणा जी। थैंक यू। जी मैं हा? नहीं नहीं आप बोलिए। वैसे मैं किसी की सुनता नहीं हूं, लेकिन आपकी सुनूंगा। मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आई हूं। देखिए, मेरे पति ने आत्महत्या की थी, उनके इंश्योरेंस के 2 करोड़ बनते हैं, और मैं चाहती हूँ आप इसे मर्डर या एक्सीडेंट कुछ भी, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? ये पैसे मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं इसका 10% आपको दे सकती हूँ, लेकिन काम हो जाने के बाद। देखिए, मैं काम छोड़कर आपके साथ डिनर पे आया हूँ, और यहाँ पे भी काम की बात है। खैर छोड़िए, आपका काम हो जाएगा जी। आई मीन थैंक्स, पर बुरा नहीं माने तो एक बात पूछूं? आप बोलिए। देखिए, मैं आपसे अभी अभी मिली हूं, और इस तरह मैं आप पर भरोसा कैसे करूं? भाई साहब एक भाई साहब, ओ भाई साहब, कमाल है, सुनता ही नहीं। भाई साहब, मैं सर जरा चेक बनाइए ना, ध्यान में नहीं आया भाई। कितने का बनाओगे? 2000? लाख? करोड़? ओ एक मिनट, इधर सही कीजिए भाई। सही। अरे चश्मा नया लिया? कौन सा? ये ओ सर, ये हाँ बताइए बताइए बताइए। नाइस। कैसा लग रहा हूँ? नाइस, अच्छा लग रहा है। नजर नहीं आ रहा लेकिन करेक्ट एकदम। ओह, टू मच पावर। ये लीजिए, बुड्ढे हो रहे जल्दी। नंबर है ना। जाइए भाई साहब, जाइए। भाई साहब बोला मेरे को। ये लीजिए, जिस दिन भरोसा उड़ जाए उस दिन चेक डाल दीजिएगा। आई एम सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। आप डिनर खा लें। मैं खोलूं? जी लीजिए। आप रोज ड्रिंक करती हैं? जी नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे अरे अरे, ये शैंपेन है, एकदम ओरिजिनल है, मस्त। एक बात पूछूं? पूछिए। आप अभी अपने हस्बैंड को प्यार करती हैं क्या? प्यार? वो तो शादी के पहले 1-2 साल में ही कहीं खो गया था, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत पैसे वाले आदमी से की थी। मेरे पति की पहचान उनके पैसे ही थे। जिस दिन पैसे खत्म हो गए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये भी नहीं सोचा कि मेरा और मेरी 5 साल की बेटी का क्या होगा। आपकी 5 साल की बच्ची है? हाँ, क्यों? नहीं नहीं, क्या है कि आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि आपकी 5 साल की बच्ची हो सकती है। आपको भी देख के कोई कह नहीं सकता कि आप सत्तार, सत्तार भाई है। आप मुझे कुछ भी कहिए, सत्तार, सत्तू,
लेकिन ये भाई है ना, ये मत कहिए प्लीज। मैं बहुत दिनों बाद इतनी हंसी हूँ। अच्छा फिर तो हम रोज मिल सकते हैं, रोज हंस सकते हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं आप? आपके लिए। देखिए मुझे इन सब बातों में ना ही कोई दिलचस्पी है और अब ना ही कोई उम्मीद। देखिए जब मैं आजमगढ़ से निकला था तो इस उम्मीद से निकला था कि दो वक्त की रोटी तो कमा लूंगा, लेकिन आज 400 लोग मेरे भरोसे पे हैं। तो उम्मीद है ना, कभी नहीं छोड़नी चाहिए। शायद बैंड है, आप नाचेंगे? बैठे रहे ख्यालों में यूं उलझे रहे सवालों में यूं कितनी बातें हैं जो कह ना पाए तुमको, हम तो ना थे इस तरह। तुमको देखें देखते ही रहें, रुक जाए लम्हे सभी जाते हुए, क्या तुमसे कह दें और क्या ना कहें, तुम ही समझ लो सभी ऐ काश के, बस ये तमन्ना है दिल जो अपना है उसको मिल जाओ तुम, अब ना ख्यालों में ना सवालों में बाहों में आओ तुम। लेकिन गाड़ी नहीं, हेलीकॉप्टर खरीदना था। लोन देंगी आप? अरे मेरी माँ यहाँ पहले से ही लोन लगी पड़ी है और आप नए लोन के बारे में बात कर रही है। डिफॉल्टर हूँ मैं, डिफॉल्टर, 6 महीने से EMI नहीं भरा है मैंने। अब लोन देंगी आप? नहीं ना, इडियट बात करती है। अरे डीजन आई विल प्रोबेबली डू इट टुमारो। हां नहीं सुन, बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं, एक्स हस्बैंड। कॉल मी लेटर, ओके? आई विल सी। हाय, हाय, सी या, कैच यू लेटर। बाय बाय, वी नीड टू टॉक। हां चलो चलो। अच्छा तुमने फोन किया था, टेंशन में लग रही थी, क्या बोल रही थी तुम? आई एम वेरी स्कैर्ड अनिल, वो रिकवरी वालों का फोन आया था, इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे कि बता नहीं सकती, और उन लोगों को तो पुलिस का भी डर नहीं है। ओहो, पुलिस का भी डर नहीं? ब्लडी क्रुक्स, तो ऐसे भी बोल रहे होंगे कि पुलिस के पास जाती हो तो जाओ। हाँ हाँ, और घर आने की धमकी भी दी होगी।
हाँ लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? नॉर्मल गुंडा लाइंस यार, उन्होंने मुझे भी फोन किया था, मेरे साथ बिल्कुल ऐसे हुआ था, लेकिन मैंने उनको एक मिनट में चुप कर दिया। कहीं तुमने उनसे झगड़ा वगड़ा तो नहीं किया था ना? अरे नहीं नहीं यार, I kept my cool, मारपीट नहीं की, लेकिन समझा दिया था सालों को ठीक से। थैंक गॉड, मैं तो ऐसे ही डर रही थी। मतलब डरने की बात नहीं है। ऐसे कैसे डरने की कोई बात नहीं है, तुम क्या बोल रही हो? डिपेंड करता है किसने फोन किया था तुम्हें, किसने फोन किया था तुम्हें? वो गुड लक रिकवरी एजेंसी। गुड लक रिकवरी? सबसे डेंजरस तो ये गुड लक वाले ही है। कल ही उनका आर्टिकल आया था पेपर में, पढ़ा तुमने आर्टिकल? नहीं। तुम आर्टिकल भी नहीं पढ़ती हो? अच्छा क्या बोल रहे थे गुड लक वाले डेंजरस लोग? वो लोग बोल रहे थे कि अगर शाम तक पैसे नहीं दिए तो क्या, तो मुझे घर से उठा लेंगे। अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, उनको तो देख लूंगा मैं, तुम और मैं उनके ऑफिस चलेंगे। तुम उन्हें जानते नहीं हो, वो गुंडे हैं और उनके बॉस का नाम सत्तार भाई है। क्या करेंगे वो, मार देंगे? तुम्हें मारेंगे, मुझे मारेंगे? अरे वो कुछ भी कर ले, लेकिन मेरी बीवी के बारे में अगर उन्होंने कुछ भी बोला ना तो मैं। हम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है अभी तक, यू आर स्टिल माई वाइफ, लेट्स गो। टैक्सी, भिंडी बाजार। थैंक्स। तुम वहां बिल्कुल डरना मत, आज देख रहे हो, लगता है हमें जाना चाहिए। ए सत्तार! क्या बे? मुझे तुमसे बात करनी है। 10 मिनट रुक, आधे घंटे में मिलता हूँ। नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। ए गफूर, बात कर रहे अपने स्टाइल में। ए, क्या कर रहा है? प्लान, प्लान, प्लान कैंसल। छोड़, आपने बोला परसों का चेक बनाओ, मैंने बनाया। आपने बोला कल का चेक बनाओ, मैंने बनाया। उसके ऊपर मारते हो साले गुंडे लोग। चेक दिया तो एहसान किया क्या बे? एक तो सारे लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ऊपर से ये नाटक। आपने तो बोला था ऐसे आओ, ऐसे एंट्री मारो, ऐसे गाली दो, सारी प्लानिंग तो आपकी थी। कौन सी प्लानिंग की बात कर रहा है ये? यू हैव डन ऑल दिस। वहाँ मारूं, यहाँ मारूं, तू मेरे को सिखाएगा कि इधर मारने का कि उधर मारने का? जस्ट स्टॉप इट। चल राइट। आइंदा गफूर भाई से पूछे बगैर भाई के कमरे में घुसा ना तो तेरी। क्या बात है? चले। तो ये सब तुमने किया है? तुम मिले हुए हो इनके साथ? नहीं तो। मैंने सब कुछ सुन लिया है। वो मैं। मैं क्या? शिल्पा, मैं चाहता था कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। अगर तुम ये चाहते थे तो मुझसे भी कह सकते थे ना। जब भी तुमसे कोई बात बोलूं तुम एक ही बात कहती थी, जस्ट शट अप। वही, और कभी कभी गेट लॉस्ट एंड गो अवे एंड ऑल दैट। बेबी प्लीज गिव मी अ चांस। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलती की है तो तुम मुझे सॉरी बोलो। आई रियली वेरी सॉरी। इफ यू रियली मीन इट देन गो डाउन ऑन योर नीस एंड से सॉरी टू मी 10 times। ये 5 times का 10 times कब हुआ? पिछले साल का इंटरेस्ट, मुझसे अलग रहने के लिए। सॉरी बेबी, यहाँ पे? यहाँ पे, अभी। ओके। देखा, आ गया ना लाइन पे। सॉरी 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 रियली आई एम सॉरी। चालू रख। I'm sorry. सिस्टर, मेरी तरफ से भी सॉरी, लेकिन ये बिल्कुल मत समझना कि मैं इसकी तरह माफी मांगूंगा। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अरे चुपचाप बैठ के चाय तो पिएगा। अच्छा ये बता, पहले आई लव यू किसने बोला? और कौन बोलेगा, मैंने बोला। देख, ये लोन और शादी है ना, बिल्कुल एक जैसे। लोन लिया तो चुकाओ, शादी किया तो निभाओ। यस सर। सतार भाई थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। हाय। ए हाथ छोड़, पीवी है भाई। थैंक यू। कौन है आप लोग? अरे सेंट्रल पापा, संभाल इसको पापा। चले चले चल कवले। ए जावेद जी भाई। नमस्ते सतार भाई।
ये टीवी है ना, साउंड सिस्टम, ये डीवीडी सब उठा ले चल। ये क्या कर रहे हैं सतार भाई, मेरी बात तो। एक मिनट। देखो अंकल, आपके महीने के 30,000 से अब तक सिर्फ 10 जमा हुए। अगले 6 महीने तक अगर महीने के आपने मुझे 30 नहीं दिए तो पूरी बस्ती के सामने। आप लीगली ऐसा नहीं कर सकते। ए, तेरे को मालूम नहीं, जब दो बड़े बात करते हैं तो बीच पे बच्चों को बात नहीं करना चाहिए। सतार भाई, आपको जो कुछ ले जाना है ले जाइए, पर यहाँ तमाशा मत कीजिए प्लीज। पापा, आप इनके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हो? चुप। कहाँ नहीं जोड़े हाथ तेरे बाप ने तेरे लिए? पहले सोचना चाहिए था ना, बात करता है साला। देखिए, आप प्लीज हमारा सामान छोड़ दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। तू पैसे चुकाएगा? काम क्या करता है? मैं नेचर फोटोग्राफर हूँ। वो झाड़ वाड़, कौवा, कुत्ता, बिल्ली जी? अबे चूजे, 10 लाख देने के लिए तुझे पता है कितने फोटो खींचने पड़ेंगे? हाँ अरे अंकल, क्यों झोपड़े में मार्बल लगाने के चक्कर में हो? मुंबई के बाहर एक फ्लैट लो, बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा। देखिए, बहुत बोल लिया आपने, अगले महीने से आपके पैसे पहुंच जाएंगे। ए, ये उंगली नीचे रख, बुझाने के काम आएगी, और अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो खुजा भी नहीं पाएगा। पैसे तो मैं तेरे से अच्छी तरह निकालूंगा बेटा, लेकिन 1 महीने तक जितनी भी फोटो है ना उतारना है उतार ले, क्योंकि महीने के एंड में ना तेरे फोटो के ऊपर हार चढ़ी होगी। ये चल रहे। किसी मस्त आइटम का फोटो ले, पैसे ज्यादा मिलते। क्या करें बेटे, 30,000 रुपए कहां से आएंगे? पापा, आज से आपकी नहीं, मेरी प्रॉब्लम है। और अगले हफ्ते तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं आपके पास हूं, आपके साथ हूं। बचपन में जिस हाथ की उंगली पकड़ के मैं चलना सीखा हूं, आज मुझे उसी हाथ की लाठी बनने का मौका दीजिए। अब आज से ये मेरी जिम्मेदारी है। आई एम रियली सॉरी पापा, मुझे बस एक मौका दीजिए। देखा छोकरे की कैसे फटके आ गई थी। भाई, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा हो गया? भाई, बेचारा बूढ़ा आदमी था। जो हुआ अच्छा हुआ, ये होना जरूरी था। इसे कहते हैं सीधी सादी पॉलिटिक्स, समझा? अब देखना उस छोकरे की लाइफ है ना कैसे ट्रैक पे आती है। हेलो। यस सर। हाय, आई एम रायन, आई एम हियर टू मीट मिस्टर कपूर। सर, ही इज वेटिंग फॉर यू। Kapoor? Yes? Hey man, how are you doing? I'm Ryan. Ryan? How did it happen? Sattar bhai ka? Haan, unka phone aaya tha. Yeah. Keh rahe the ek struggling artist hai bichara, mil lo. Struggling artist? Usne bataya nahi ki main unka khaas hoon. Nahi, aisa kuch nahi kaha unhone. Haan. Well, actually haan, Sattar bhai bhi kaafi busy rehte hai na, to shayad bhul gaye honge. एक्चुअली सर, वो क्या ना कि एक मौका चाहिए। आई एम अ रियली टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर। नाउ दैट्स मोर लाइक इट। चलिए आपका टैलेंट देखते हैं। रोशन हर दिल हुआ, हर दिल को खुशियां मिल गई, खोई थी अब तक जो दुनिया वो दुनिया मिल गई। गुलशन हर दिल बना, हर दिल में कलियां खिल गई, खोई थी अब तक जो दुनिया वो दुनिया मिल गई। हर लम्हा कह रहा है क्या अब तू सोचता है, जा जी ले ये जिंदगी।
आंखों में कल जो कच्चे से ख्वाब थे, पलकों पे सज रहे थे जो कल के वास्ते। तुझको गर अब मिल जाए टुकड़े वो ख्वाब के, उनको सजा तू फिर से आंखों में प्यार से। दिल जब खुशी से जीना चाहता है, अब वो दिन अब वो पल आया है। राहों में फूल है बिखरे हुए अब हर कहीं, हर दिल है आशना हर जिंदगी। रोशन हर दिल हुआ, हर दिल को खुशियाँ मिल गई। खोई थी अब तक जो दुनिया, वो दुनिया मिल गई। ये अब बिना प्यार के जीने की ये वजह है, इतना तू जान ले। खुशियाँ जो दे तुझको तू वो दामन थाम ले, उसके साए में जी ले जो दिल से प्यार दे। गम जब हंसी में खोना चाहता है, अब वो दिन अब वो पल आया है। दुनिया जो दूर थी कदमों पे सजदा कर गई, लगता है जिंदगी को जिंदगी अब मिल गई। रोशन हर दिल हुआ, हर दिल को खुशियाँ मिल गई। खोई थी अब तक जो दुनिया, वो दुनिया मिल गई। हर लम्हा कह रहा है क्या अब तू सोचता है, जा जी ले ये हेलो सर, मैं ऑल इंडिया बैंक के लोन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं। अरे लोन नहीं चाहिए सर, हमारे बैंक के नए लोन स्कीम के लिए आपका नाम सिलेक्ट किया। लोन नहीं चाहिए भाई। सर हमारी बैंक आपके पुराने लोन के सामने आपको नया लोन दे। अरे नहीं चाहिए मैडम, लोन नहीं चाहिए। सर कोई फैमिली फ्रेंड का रेफरेंस दे सकते हो सर? तेरी माँ। जो हो खाली और आ जाए दिवाली, मांगे तुझसे गाड़ी घर वाली। तू टेंशन क्यों है लेता जब बैंक पैसा है देता, थोड़ा थोड़ा करके भरता जा। एकदम सही है भाई। हाँ हाँ सही है भाई। खुशियों के जला पटाके सपनों के घर में जाके, क्यों इतना सोचे प्यारे बड़ा गे। बच्चों
बरसों की शादी है बैंक किस्मत की चाबी जो तुमको दे दी है ये आजादी कि भर तू हाँ सही है भाई एकदम सही है भाई सिस्टर्स कंट्रीमैन ले लो एक बार ले लो इसके लेने में कोई टेंशन नहीं क्या हो रहे ये दे रहे उसको खर्चा पानी कोपचे में अरे आप टेंशन मत लो अकाउंट चेक हो रहा है आपको तो पैसे दे दे ईएमआई लिया है तो चुकाना पड़ेगा बाप